क्योंकि कामा पहाड़ी से वो श्री जी चल रही है, श्री जी को पैसे कहाँ से लेते,
और सुंदर सा अपने सिर पर भेजे करता कृष्ण जी आगे चल रहे थे। तो उतनी दूर तक श्री जी ने पैदल यात्रा कर लिया सुंदर सा जी, और कुछ भी आहार नहीं किया था और उस सुंदर सा ने भी कुछ भी नहीं खाया था। भूख के कारण ही उनका चेहरा मुरझाया था। अब श्री भद्र जी ने जैसे ही देखा तुरंत श्री जी के चरणों में जाके प्रणाम कर रहे हैं और अपने पास जो 300 रुपये थे वो 300 रुपये उन्होंने श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिए। और यहाँ से मुकुंददास जी भी चले थे, उनके पास 400 रुपये थे। मुकुंददास जी ने क्या किया कि सबसे पहले सुंदर साहब को पैसे देकर कहा कि श्री जी को भोजन करवाइए, आप भी भोजन करिए। तो अपने पास जो पैसे थे उसमें से श्री जी को और सुंदर साहब को भोजन मिल गया। इस प्रसाद से हमें क्या सीख मिलती है सुंदर साहब जी? वैसे तो श्री जी बहुत बार दिखे रहे होंगे, जागनी यात्रा करनी है तो जागनी मेला या जागनी करनी इतनी आसान नहीं होती है। चाहे हमें स्वयं की जागृति करनी हो फिर भी हमें अपने अंदर इतने सारे विकारों से जूझना पड़ेगा, इतने जन्मों के संस्कारों के सामने युद्ध करना पड़ेगा। और अगर दूसरों तक भी इस वाणी को फैलाना होगा तो ये जगह भी मुश्किल भी होगी, आसान नहीं होगा। क्योंकि कोई किसी को भी हम देखें, जिन किसी को भी हम याद करते हैं इतिहास में, चाहे वो मीरा हो, महावीर स्वामी हो, गौतम बुद्ध हो, नरसिंह मेहता हो, दयानंद सरस्वती हो, जिन किसी ने भी धर्म की राह अपनाई हो, वो मुश्किल ही होती है क्योंकि उसमें हमारे जीवन को पात्र बनाया जाता है। हमें जिस राह पर हम चले हैं उसके पात्र जब बनेंगे तभी तो वो दिया जाएगा। जैसे पात्रता क्या होती है उसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं सुंदर साहब जी कि एक बार गौतम बुद्ध के पास एक सेठ आए। उन्होंने गौतम बुद्ध को कहा कि आप मुझे ज्ञान दीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है। उनके घर भिक्षा के लिए चले जाते हैं अगले दिन और उनके पास जो कमंडल था उसने बोलते कि इसने मुझे भिक्षा दे दो भिक्षा पात्र में। तो सेठ ने देखा कि इसमें तो उन्होंने गोबर बनाया हुआ था, बोल रहे कि इसमें मैं कैसे आपको भिक्षा दे सकता हूँ, इसमें तो गोबर पड़ा हुआ है। तो बोल रहे हैं कि जब आप ये गोबर से भरे हुए पात्र में जो भोजन इस शरीर को करवाना है वो नहीं रख सकते हो, तो जब इस जीव में इतने विकार है, इतने जन्मों के संस्कारों के कारण वो जो विषय वासना की अग्नि उसमें चल रही है, ऐसे दिल में मैं उस ब्रह्म का ज्ञान कैसे प्रदान कर सकता हूँ, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पात्रता होनी जरूरी है। और वो पात्रता एक दो दिन में नहीं आ जाती है, चलते चलते जैसे जैसे वाणी के वचनों को हम आत्मसात करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी पात्रता बढ़ती जाएगी, जीव के विकार दूर होते जाएंगे, ध्यान से हमारे जो संचित कर्म हैं वो भी नष्ट होते जाएंगे और धीरे धीरे हम केल के पात्र जब बन जाएंगे तो हमारा कीर्तन हमारे सामने होगा। और इससे हमें ये भी सीखना चाहिए कि श्री जी अगर चाहते तो उनके अंदर वो साक्षात अक्षात नहीं है जिनके सतम की एक इशारे मात्र से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मैं को प्राप्त होते हैं, तो क्या वो वहाँ और हमें पता है पापा जी ने जाके वो धीरे धीरे कर पाएंगे भूकंप मात्र से, तो वो पैसों की व्यवस्था नहीं कर सकते थे, उसमें भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते। फिर श्री जी ने क्यों इतनी भूख झेली या इतना कष्ट झेल लिया सुंदर साथी जी? क्योंकि साथ चल रही है सो तो आए सही पर विष्णु कारण ही मानी करें हम सबके लिए, क्योंकि श्री जी को पता था कि आने वाला समय ऐसा होगा कि सुंदर साथ को अभी तो श्री जी को जगह जगह पर जाकर जगाना पड़ रहा था, और समय कैसा आएगा कि जब सुंदर साहब को घर बैठे वाणी सुनने को मिलेगी और फिर भी उनको न सुनने में रुचि होगी और ना ही उसको जीवन में उतारने में रुचि होगी। तो हमें प्रेरणा देने के लिए भी दिक्कत में ये सारे प्रसंग घटित हुए हैं और हमें बयान करके बताया भी गया है। तो हम सिर्फ इसको इसीलिए हर साल पढ़ते हैं कि इसमें से हमें कुछ सीख मिल जाए। जैसे रस्सी जब आती जाती रहती है कुएं पर तो जो कुएं के किनारे पर पत्थर पड़े होते हैं उससे भी निशान पड़ जाते हैं, उसी तरह से हमारे कठोर हृदय पर भी कभी ना कभी निशान पड़ जाएंगे और हम जाग जाएंगे। इसीलिए श्री जी बार बार ये कहते हैं और इसीलिए विधान बनाया गया कि हर साल दीपक को दोहराया जाए ताकि कभी किसी पता नहीं कब किस लोगों को इस वचन से चोट लग जाए। और तभी दीपक ने कल पार्टी में बता रहे थे ना श्री जी सुंदर साहब जी को कि
कि आपको इसका क्या करना है, डटते रहना है, इसकी पुनरावृत्ति करते रहनी है, बैठक न कीजिए, पर आपको बैठक सत्संग बंद नहीं करना है। तो हम अगर सोचे, और अभी के समय में अगर हम सोचे तो क्या कहा जाता है, कौन सबसे बड़ा महाराज है, हम ज्ञान से किसी की पहचान नहीं करते। हमारे लिए सबसे बड़ा कौन होता है, जो महाराज के पास ज्यादा धन संपत्ति है, जो महाराज बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमता है, एसी कमरों में रहता है, हमारे लिए वो हमारे गुरु हैं। हम उनको भौतिक सुख विलास से तोलते हैं और उनको मानते हैं। हमारे दिल में ज्ञान के प्रति झुकाव कम हो गया है, जबकि राजी ने कहा है कि अगर मेरी पहचान करनी हो तो मेरे वचनों से मेरी पहचान, उनके सुकनों से। अभी हम आपने देख सुना होगा लक्ष्मीदास जी का प्रसंग, साक्षात राजी ने आकर वाणी का महत्व बताया कि अगर मैं भी आकर साक्षात आपको कहूँ वाणी विरुद्ध कुछ भी, तो उसको भी आप स्वीकार मत करना। वाणी को साक्षात मेरा मानना, मेरा ज्ञान में स्वरूप मानना और उसके वचनों के प्रति समर्पित होना, क्योंकि कलयुग में अभी के समय में वर्तमान में हमें वो ही आगे लेकर जाएगा। अब क्या होता है सुंदर सा जी, इसमें सुंदर सा के मन में इस प्रसंग से और भी एक बात होती है कि देखिए हम क्या करते हैं, बी का सुन के उन सुंदर सा की तुलना करने लग जाते हैं कि एक तरफ तो लाल, एक तरफ तो शेख बदल जाए, जिन्होंने अपने पास जितना भी धन था सारा को श्री जी के चरणों में उसी समय प्रणाम करते हुए रख लिया, और दूसरी तरफ कौन है, मुकुंददास जिन्होंने अपने पास 300 रुपए दिए, उसमें से सिर्फ कुछ रुपए देकर भोजन करवा लिया, लेकिन सारा पैसा श्री जी के चरणों में समर्पित नहीं किया। सुंदर सा जी, जब हम ऐसी तुलना करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हम किसी भी तरह से उन ब्रह्म मुनियों से हमारी तुलना करने के योग्य नहीं है। ये वही मुकुंददास जी है जिन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन को, अभी तो शादी हुई है और श्री जी की पहचान हुई उनको, जिस दिन श्री जी की पहचान हुई तारतम ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने घर के आंगन से उन्होंने अपनी पत्नी को बोला हुआ है कि मैं अपने प्रियतम प्राणनाथ के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो पत्नी को लगा कि अरे ये तो थोड़े समय का वैराग होगा, वापिस आ जाएंगे, तो पत्नी ने मना कर दिया साथ जाने के लिए। मुकुंददास जी आंगन से ही चल दिए श्री जी के पीछे, और हम सुनेंगे आगे चर्चा में कि वही मुकुंददास जी श्री जी का आदेश मानते हुए लाठी भी खाई और फिर भी जाकर की सेवा में लगे रहेंगे। तो हम जब कुछ भी कहते हैं उन ब्रह्म मुनियों के लिए, उससे पहले हम अंदर जान के देखते हैं कि हम क्या हैं। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए जो ब्रह्मात्माओं ने उस समय समर्पण किया था, वो सारे परम रस है। और ना तो हमें इस संसार में अपनी तुलना और किसी से करनी चाहिए, हमें स्वयं को ऊपर उठाते जाना चाहिए और अपने अंदर ही जागते हुए अपने अवगुणों को दूर करते हुए राज्य की राह पर चलते रहना चाहिए। तभी बड़ी पत्नी के पास श्री जी कह रहे थे कि हमें क्या करना है, एक ही तरफ नजर रखनी और वो है राज्य के चरणों में, और इनसे सीख लेनी है। हाँ, समर्पण का महत्व है, हमारा जो भी धन है वो हमें धन की तीन ही गति होती है, या तो वो भोग विलास में जाता है, या तो वो दान में जाता है, या तो वो नष्ट हो जाता है। तो हमें चाहिए कि भोग विलास करने वालों को दुनिया कभी याद नहीं करती है, खाना पीना तो प्राणी भी हमसे अधिक कर लेते हैं। मनुष्य वही है जो दूसरों के कल्याण में, दूसरों के दुख को दूर करने में अपना जीवन समर्पित करे, अपना धन समर्पित करे, तन समर्पित करे, अपना मन समर्पित करे। ये तो मनुष्य की रहनी है, हम तो स्वयं को ब्रह्मात्मा कहते हैं। अगर मुसलमानों को देखा जाए तो कुरान में उनको भी कहा गया कि ऊंचा स्वर्ण स्थान को देना होता है अपनी गाय का। और हम भी तो सोचे कि अगर मुकुंददास जी के पास 300 रुपये 400 रुपये थे, तो उसमें उन्होंने भोजन के लिए जो भी व्यय किया और आगे भी करते रहे, उनका खुद का तो कुछ था नहीं, वो सुंदर सा तो श्री जी की सेवा में ही समर्पित करते थे धन। उन्होंने ये भी सोचा हो कि जब मैं साथ में हूँ तो श्री जी को खुद रचना पड़े, मैं खुद ही संभाल लूँ। और उन्होंने क्या किया, अगर हम ये सोचे कि उन्होंने जितना भी दिया होगा, शायद 10 रुपये दिए हुए, जो भी दिए हुए 400 रुपये, तो वो भी तो 2.5% हुए, तो हम कितना प्रतिशत देते हैं अपने इनकम का। अगर हमारे पास 4 लाख हो तो हम 2.5% देंगे,
जानने की सेवा में जो बच्चे समर्पित हुए हैं, क्या हम उनकी स्कूल उनके लिए देंगे? अपने बच्चों के लिए तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं, कभी जन्मदिन मना लिया, कभी कुछ मना लिया, कभी कहीं घूमने ले गए, कभी कहीं घूमने ले गए, पता नहीं कितने कितने कपड़े लिए कर देते। कभी हमने ये सोचा कि जिन माता ने अपने दिल के टुकड़ों को इस जानने की सेवा के लिए समर्पित किया हुआ है, हम उनके लिए भी कुछ करें? उनसे हमारा आत्मिक रिश्ता है, अलौकिक रिश्ता है, कभी हमें उनके लिए दर्द होता है? अगर नहीं होता है सुंदर साजी, तो इसका मतलब यही है कि अभी तक हमने सिर्फ तात्म शरीर से लिया हुआ है, हम रिश्ता सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रिश्ते ही निभा रहे हैं, लौकिक रिश्ते ही निभा रहे हैं, ना हमें अलौकिक रिश्ते की पहचान है, ना हमें प्रियतम के प्रेम की पहचान है, ना ही हमें स्वयं को समर्पित करना आया इस राह पर, और ना ही जो समर्पित हुए हैं उनको सही रूप देना है। तो इस प्रसंग से हमें वही सीख मिलती है। और एक बात और भी बता दूंगी सुंदर साक्षी, मुझे याद आ रहा है दृष्टान जो मैंने सुना था कि शेरपुर वाले जो परमहंस महाराज है, बड़े महाराज जी राम रतन दास जी, जब सरकार श्री उनकी सेवा में थे, उस समय भंडारा हुआ था, भंडारे के बाद सब लोगों को प्रणाम करने के लिए आए, तो बहुत लंबी सुंदर साक्षी लाइन थी। तो किसी सुंदर साहब ने उनको कुछ धन दिया, किसी ने कुछ दिया, बड़े बड़े सेठ भी आते थे और गरीब फकीर भी आते थे उनके चरणों में। तो जितने भी पैसे रख के जाते थे, महाराज जी बोलते थे उनके जाते ही कि सरकार से आप इसको उठा लीजिए। लेकिन क्या हुआ, एक बहुत ही गरीब कोई फकीर आया वहां पर, जिन्होंने अपने जेब को टटोला और एक रुपये का सिक्का शायद था वो उनके चरणों में रख लिया। जैसे ही वो सिक्का रख लिया, महाराज जी ने तुरंत उठाया और जहाँ बैठे थे उस गड्ढे के नीचे रख दिया। ये सरकार श्री देख रहे थे। जब साधु सुंदर साहब प्रणाम करके चले गए, तब सरकार श्री ने उनको पूछा कि महाराज जी, आपकी ये बात मुझे समझ नहीं आई, जिन सेठों ने आपको इतना सारा पैसा दिया उसको आपने छुआ भी नहीं, और इस फकीर के पैसे को आपने मुझे छूने नहीं दिया, उससे पहले ही आपने जल्दी जल्दी से अपनी गाड़ी के नीचे रख दिया, इसका कारण क्या है? सुंदर साहब जी, जो उत्तर महाराज जी ने दिया वो हमेशा याद रखना चाहिए हमें। महाराज जी ने कहा कि कितना पैसा कौन दे के जाता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, उस सेठ के पास, ये सारे जो सेठ आए उनके पास जो था उसका कुछ हिस्सा वो देकर गए मुझे, जबकि ये जो फकीर आए मेरे चरणों में, ना उसके पास पहनने के कपड़े थे और ना ही यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई राशि थी, वो पहुँचा इतनी मुश्किल से है, और यहाँ आके उसके पास जो कुछ भी था वो सारा कुछ उसने मेरे चरणों में समर्पित कर दिया है। उसने ये भी नहीं सोचा है कि वो वापस कैसे जाएगा या जाते समय भोजन क्या। तो जिसने अपना सर्वस्व मेरे चरणों में रख दिया है उसको मैं कैसे दूसरे को सौंप सकता हूँ? सुंदर साहब जी, क्या दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, किस दिल से और किस भाव से दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। और अगर हम सच में श्री जी को खुश करना है, जो सुंदर साहब कितनी धनधन हुए उतनी धनधन हुए, तो हमें वही राह अपनानी पड़ेगी जो बारह महीनों में अपनाई है और जो आगे हम सुनेंगे सारे सुंदर साहब, जो लाल दास जी ने अपनाई, जो चिंतामणि जी ने अपनाई, जो बाल भाई ने अपनाई, जो लाल भाई ने अपनाई, जो आगे ललिता से अपनाई। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, हम अपना दिल का समर्पण करें, अब ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम शादी करते हैं तो अपना सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, सिर्फ पत्नी के चार पेड़ को लेकर, अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, और फिर भी कितना कुछ परिवर्तन हो जाता है। रिश्ते बदल जाते हैं, माँ बाप हमारे बदल जाते हैं, हम सास ससुर को माँ बाप बोलने लगते हैं, घर बदल जाता है, बिस्तर बदल जाता है, जिसके बगैर अगर हम कुछ दिन तक बाहर चले जाए तो हमारा मन बेचैन हो जाता है कि मुझे अपने बिस्तर के बगैर नींद नहीं आती है, घर के बगैर नींद अच्छा लगता है। सिर्फ चार पेड़ पढ़ने से हम सबको छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, खान पान रीति रिवाज, उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, कपड़े, सारा कुछ तो बदल जाता है हमारा। तो तारतम देने से जब हम कहते हैं कि हमारा आत्मा का रिश्ता एक उस प्रयत्न के साथ जुड़ गया, फिर हमारे अंदर क्यों नहीं परिवर्तन होता है?
क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ बाहर से सारा कुछ करते हैं, हमारे अंदर ही नहीं जा रहा है। और जैसे दवाई अंदर ना जाए, सिर्फ उसकी आरती उतारने से, भोग लगाने से रोग दूर नहीं होगा, इसी प्रकार से सिर्फ वाणी के वचनों को कह देने से, पांच पारायण करने से, मेहर सागर का पाठ करते रहने से, या बाहर से जाकर बाघा वस्त्र चढ़ा देने से, या पूरे पन्ना धाम को भी अगर हम सोने से मर देंगे, फिर भी हमारे अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा और ना ही श्री जी खुश होंगे। तो अब क्या हुआ सिंहदासा जी कि मुकुंदास जी ने भोजन करवाया और रात का समय है, श्री जी के पास बैठे और श्री जी को बोल रहे मुकुंदास जी कि श्री जी मैंने सुना कि किस तरह से 12 मोमिनों को प्रताड़ित किया गया, कैसे उनको दुख दिया गया औरंगजेब के दरबार में, तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। वो जानना चाहते थे कि श्री जी के मन में अभी क्या चल रहा है। तो श्री जी उनको जो जवाब देते हैं सुंदरसा जी वो सुनने जैसा है। तब श्री जी साहिब जी कहा, अब ना छोड़ो इन्हें और इलाज कर मारो, जड़ उखाड़ो बुनिया बने। क्या बोलते हैं कि अब तो मैं इन शरीयत की राह पर चलने वाले मुसलमानों को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ, और इलाज कर मारो। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मेरे लाडले ब्रह्मात्माओं को, मेरे सुंदर साहब को जो मेरा संदेश लेकर गए थे, उनको प्रताड़ित करना मतलब जैसा मारना पैगंबरों वैसा उनके दोस्त, मेरे दोस्तों को, मेरे लाडले सुंदर साहब को मारना मतलब मुझे मारना है, और मैं उस औरंगजेब को या उस शरीयत पे चलने वाले मुसलमान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, और इलाज करवा लो। अगर ये ध्यान से नहीं समझे हैं तो मैं किसी राज सत्ता को इसके सामने खड़ा करूंगा जो इसको मुंह तोड़ जवाब देगा, और तब इसको झुक के आना ही पड़ेगा और जड़ उखाड़ बुनियाद पड़ेगी। लेकिन ये निश्चित है कि मैं इस मुगल सल्तनत को जड़ से विनाश कर दूंगा, उखाड़ दूंगा। तो हम पे ही सुंदर साजी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी पर भूमि को जो श्री के चरणों पर समर्पित हुआ, प्रार्थना जी के नाम पर समर्पित हुआ है, उसकी वाणी का सच्चे हृदय से प्रचार प्रसार कर रहा है। और अगर सुंदर साजी के पास जा रहे और अगर हम उन्हें रोक रहे हैं कि सुंदर साजी इस स्थान पर मर जाएगा या उस व्यक्ति की चर्चा मत सुनेगा, तो हम कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। और ऐसा करने से हमें खुद को रोकना है, और अगर जो कर रहा है तो उससे भी कोई लड़का है तो संगत नहीं करनी है। तो ऐसे अग्रगणी सुंदर साहब हो या जो कोई भी हो, उसे हमें दूरी बना लेनी चाहिए। अब क्या हुआ कि श्री जी ने जब ये उत्तर दिया तो अब मुकुंदास जी खुश हो गए हैं, और श्री जी अब उनको पूछ रहे कि अब आगे क्या करना है, श्री जी को बड़ी याद क्या करना है वो पूछे। तो बोले कि क्योंकि मुकुंदास जी उदयपुर के आसपास के स्थान पर ही उस समय चर्चा कर रहे थे, जागरण लीला कर रहे थे, तो श्री जी ने उनको पूछा कि उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक जरला पंक्ति करके पंथ है जिसको धनी बाबा भी कहते हैं, उनके पंथ में बहुत सारे अनुयायी हैं, तो उनको चर्चा सुनाई जाए। तो फिर श्री जी ने कहा कि ठीक है, फिर आप एक काम करिए, आप जाकर उनको चर्चा सुनाइए, और अगर कहीं मेरी आवश्यकता हो तो मुझे बुला लीजिएगा। श्री जी का आदेश सिर उधारे करके मुकुंदास जी वहां से चल गए, और उनके साथ मुकुंदास जी के साथ मलुकचंद भी चल देते हैं, दोनों मिलकर चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं तो मुकुंदास जी ने सोचा कि अब हम चलते हैं उदयपुर, क्योंकि वो उदयपुर में चर्चा करते थे, वहां पर उनको लादू मसानी के एक सेठ है जिनको वो जानते थे, उनके पास जाके उनको श्री जी की पहचान करवाते हैं। पर जैसे उनको श्री जी के स्वरूप की पहचान होती है, लाडू मसानी अपना दिल खोलते हैं कि उस श्री जी को, उस पाटन के स्वरूप को मैं भी मिलना चाहूंगा, उस अत्याधिक की शक्ति जिस पाटन ने कार्य कर ली है, आप जल्दी से जाओ उनको मेरे पास लेकर आओ, मैं उन सुंदर साथी और श्री जी की सेवा करना चाह रहा हूँ, और उनसे वाणी चर्चा सुन के अपनी आत्मा को जागृत करना चाह रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, उनसे ये बात हुई तो मुकुंदास जी चले हैं वहां से और उदयपुर जा रहे थे, श्री जी को ये संदेश देकर बुला लेते हैं। उस समय सुंदर साहब जी, बाकी भी काफी सुंदर साहब हम भारतीय थे, जैसे बनमाली राममय गोदावरी, वो भी श्री जी के चरणों में आए जब श्री जी वहां पे थे। श्री जी अभी तक पूर नगर में, पूर नाम का जो गांव था वहीं पे है, वहीं से गए थे मुकुंदास जी, और वापिस आके उनको कह रहे हैं, तो संदेश देने के लिए आ रहे थे। बीच में
सीटी के पास में सारे सुंदर साथ अलग अलग स्थान से आते हैं और बाल भाई और जो वृद्ध सुंदर साथ है महिला सुंदर साथ है श्री की कामा पहाड़ी में थी तो उनको कहाँ पर रखा हुआ था उन्होंने आगरा में रखा हुआ तो उन सुंदर साथ को भी श्री जी को लाने का आदेश दिए थे तो वो सुंदर साथ भी श्री जी के चरणों में अब भाई जुराज महारानी के साथ ही सारे सुंदर साथ उदयपुर में श्री जी के चरणों में आते हैं और वहाँ से रामनगर में श्री जी के चरणों में आते हैं सॉरी रामपुर में पूर्व गांव जो है वहाँ पे श्री जी के चरणों में आते हैं और अब सब सुंदर साथ मिलकर वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे उदयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और क्या हुआ कि उदयपुर में सबसे पहले लालू मसानी जो है उन्होंने हवेली की व्यवस्था कर दी तो श्री जी वहाँ गए और उनको बहुत अच्छे से वीर और प्रत्येक पक्ष की चर्चा होने लगी नया मंडान होने चला सात आगत बीच इस्लाम और बहुत नए नए सुंदर साथ आने लगे और श्री जी की चर्चा सुन के अपने आप को क्या मानने लगे धन्य धन्य मानने लगे और बीच की शानदार का ज्ञान ग्रहण करके उनके चरणों में समर्पित होने लगे हुई वीर कटेल की चर्चा एक पाया विश्राम और सारे सुंदर साथ को बहुत आनंद मिला क्योंकि कितना समय हो गया था दिल्ली में उससे पहले काफ़ी समय से सुंदर साथ एक साथ दिल्ली में और श्री जी के साथ प्रत्येक शुक्र से मिलकर उनको बहुत आनंद आ रहा है और जब किसी तरह से चर्चा का प्रवाह चल रहा था तो उसमें नूर मोहम्मद करके क्योंकि कटेल पक्ष की इसके भी चर्चा हो रही है सिर्फ हिंदू नहीं आ रहे मुसलमान भी आ रहे हैं और उसमें कौन थे नूर मोहम्मद करके एक मुसलमान थे वो भी श्री जी की चर्चा से ही वहाँ पर आ गए और वहाँ से एक बारात जा रही थी सुंदर साथ लेकिन कैसा कैसा प्रसंग बनता जाता है कि जैसे देवचंद्र जी को बताया था ना श्री जब राजी ने उनको श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिए तब देवचंद्र जी पूछ रहे हैं कि श्री जी राजी आप कहाँ जाकर विराजमान होंगे कहाँ जा रहे हो मुझे ऐसे बोल रहे हैं मुझे कुछ पूछना हो तो पूछ लो तो उनको क्या कहा गया था राजी ने कहा कि मैं कहाँ जा सकता हूँ अंदर तुम्हारे आकार के आके बैठे रहूँ मैं तो आपके दिल में आकर विराजमान हो जाऊँ तो बोले कि मुझे किस बात की चर्चा चिंता है लेकिन वो ब्रह्मात्माओं को मैं कैसे ढूंढूंगा तो बोले वो बात की चिंता करने के लिए भी आपको आवश्यकता नहीं है मैं भेजूंगा तमाम तुम सबको ढूंढ ढूंढ के मैं भेजूंगा और अभी भी क्या हो रहा है श्री जी तो चले जा रहे हैं लेकिन किसी को बारात के माध्यम से तो किसी के माध्यम से कहीं ना कहीं कोई ना कोई माध्यम खड़ा करके कौन ला रहा है ब्रह्मात्माओं को श्री जी के चरणों में वो प्रियतम ही तो ला रहा है आज हम अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं जो सुंदर साहब घर पे भी बैठ के सुन रहे हैं तो इस वाणी की वो कैसी महिमा है जिसके लिए कहा गया है कि या वाणी के कारण बड़े बड़े तप सब बहुत तप किया है कितनों ने और कितनों ने तो भैरव से भी जान खाई है इन्होंने अपना तिल के देह कटाया है किसी ने आग में अपने शरीर को बोल दिया किसी ने तिल तिल करके अपना छोटे छोटे टुकड़े करवाए हैं किसी ने अपनी खलड़ी को उल्टा निकाला है और फिर भी उस ज्ञान का एक शब्द भी सुनने को नहीं मिला और हमें अब जो मिलता है तो वो भी हमारे प्रियतम पिता जी की मेहरबानी है और हमारे अंदर क्योंकि अंकुर है तो हमें ये ब्रह्मवाणी सुनने को मिल रही है तो अब वो बारात में एक सैयद करके मुसलमान का वो भी श्री जी के चरणों में आ गया उसके कानों में ये बात पूछी कि अरे ये तो कटेल पक्ष की चर्चा कर रहे हैं मैं भी जाके सुनता हूँ तो सत्य धर्म की राह में देखो सुंदर साहब जी औरंगजेब को तो बादशाह का अहंकार था वो अपना सर्वस्व समर्पण नहीं कर सका श्री जी के चरणों में इमाम मेहंदी के चरणों में लेकिन ये सुंदर साहब बोले मुसलमान है लेकिन उनको विदेश पंथ कुछ नहीं दिख रहा है वो बस आत्मिक भाव से जैसे ही सत्य ज्ञान को सुनते हैं श्री जी के चरणों में समर्पित हो रहे हैं पूर्ण रूप से पहचान करके तो इसी तरह से सारे बहुत सारे सुंदर साथ यहाँ पर आने लगे और क्या हुआ एक विशेष घटना ये भी हुई सुंदर साथ जी कि वो जो बारह नवमुनियों को छोड़ के आए हैं ना श्री जी जिसमें से श्री बद्र जी को तो मिले थे प्रत्यक्ष रूप में लेकिन बाकी सुंदर साथ को नहीं मिले हुए हैं तो अब उन मुनियों ने पत्र लिखा है श्री जी को यो मास चार गए चार महीने जब हो गए जो सात लड़के संसुलता में जो वहां पर धर्म युद्ध कर रहे थे धर्म चर्चा कर रहे थे वो सुंदर साहब ने क्या किया तीनों ने अरज करी नीति एक दर्शन वो अरज करके सुंदर साहब क्या कह रहे हैं कि एक नीति हम ले लिया इनको नहीं ईमान श्री जी हमने बहुत अच्छे तरह से इस चार महीने में देख लिया है
कि इनको बिल्कुल भी ईमान नहीं है अल्लाह ताला पर, ये सिर्फ शरीयत में लगे हुए हैं जिस अल्लाह के नाम पर कि आप अल्लाह को मानो नहीं तो हम आपको मार देंगे, इतना जुल्म ढा रहे हैं निर्दोष बच्चों पर, महिलाओं पर या हिंदुओं पर, उनको खुद को इमाम मेहदी पर अपने मोहम्मद साहब के कहे हुए वचनों पर, कुरान में लिखे हुए वचनों पर या अपने अल्लाह ताला की राह पर चलने पर कोई भी ईमान या विश्वास नहीं है, सिर्फ ऊपर की बनती है उनकी। तो पैगाम को फैलाओ, इसीलिए उन्होंने हमारे प्रयास करने के बाद भी औरंगजेब ने रूबरू हमसे ज्ञान चर्चा नहीं की और आपके पैगाम को भी जिस तरह से सुनना चाहिए था उस तरह से उसने आपके साथ नहीं किया। सुनिया न हुआ सुभान, उन्होंने उस सुभान अक्षता के उस अल्लाह ताला के पैगाम को नहीं सुना है। तो अब क्या बोलते हैं, अब हम राह देख रहे हैं और ये श्री जी हम आपकी राह देख रहे हैं जो हमको आगे हुक्म, अगर आपकी ओर से हुक्म मिलेगा तो हम वैसा ही करें और आपके चरणों में हम हाजिर हो जाए। सुनिए देखिए सुंदर सा जी, कल क्या हुआ था, श्री जी उनका आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे और अब ये सुंदर सा उनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे कि कब श्री जी हमें आ जाए और हम आए, दोनों एक दूसरे के हुक्म के अनुसार, एक दूसरे की इच्छा के अनुसार चल रहे और यही तो प्रेम की निशानी। मोह क्या करता है कि मेरा तुझसे मोह है, जिसे हम प्रेम कहते हैं, वास्तव में इस दुनिया में मोह ही होता है। तो हम कहते हैं दुनिया वाले जब प्रेम करते तो क्या कहते हैं, क्योंकि मैं तुझे प्रेम करता हूँ तो मेरे हिसाब से चल, और जब नहीं चलते हैं तो छोड़ देते हैं, तेरी राह अलग मेरी राह अलग। और आपने प्रेम कैसा है राजी का, सुंदर साहब कह रहे कि धनी आप बोलो तो हम आए, और धनी कह रहे कि आप बोलो तो हम जाए, दोनों एक दूसरे की आज्ञा के चल रहे हैं। तो प्रेम जो है वो पाने का नाम या अधिकार जताने का नाम नहीं होता है, प्रेम कहते हैं समर्पण को। प्रेम घड़ी अपनी साथ ही ताम में दो ना समाए, जब प्रेम होता है तो उसमें दो नहीं रहते, एक ही रहता है, वो एक कौन होता है जिसे हम प्रेम करते हैं। तो जब तक हमें खुद का एहसास है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ या मैं ये नहीं कर सकती हूँ, तब तक जब तक मैं है तब मैं हूँ, तब तक हरी ना है, और जब हरी है तो मैं ना हूँ। तो उन सुंदर साथ ने स्वयं को मिटा दिया तो श्री जी को ही मोल लिया। कल आपने सुनी थी ना चौपाई, जिसमें श्री जी कह रहे कि आपने तो मुझे मोल लिया और अब मेरी आत्मा को मैं आपकी आत्मा से अलग नहीं कर सकता, मैं आपके प्रेम के अधीन हो गया। और इसी तरह से वाणी में भी कहा गया है कि इंद्रावती जी बोलती है ना कि मैंने आपको पोपट करके पिंजरे में बंद कर दिया गया है प्रेम से, उस प्रियतम को प्रेम के सागर को प्रेम से वश में किया जा सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्वयं को एक बार के लिए मिटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। अगर हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, अगर हमें ज्यादा कुछ पाना है तो ज्यादा खोना पड़ता है, और अगर हमें उस सर्वस्व को पाना है, उस सर्वशक्तिमान सर्वभूमिधान पूर्ण ब्रह्म अक्षता एक को पाना है तो एक बार के लिए तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा ना सुंदर साहब जी। और इसमें तो बहुत खुशी की बात है कि हमने क्या एक कौड़ी जैसी माया को छोड़ना है, उसके बदले हमें अखंड प्रियतम का प्रेम, तो बहुत खुशी से वो सुंदर साहब इस मर्म को समझ गए और छोड़ते जा रहे हैं। श्री जी को बोल रहे कि श्री जी अब हम आपके बगैर नहीं रह पा रहे, सोचे ना उस सुंदर साहब को तो श्री जी के स्वरूप की पूर्ण पहचान है, और जब पहचान हो गए बापू तो सहेना भी जो आ गया, तो उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा अपने सदगुरु महाराज से एक ही पल के लिए अलग रहना, उन्होंने कैसे भी योग सहन किया हो। हम तो बहुत सुकून से सुंदर साहब जी हम इस उस विरह का एहसास नहीं कर सकते क्योंकि हमारे वो स्थिति नहीं है। हम सोचे कि अगर मीरा काना के बगैर नहीं रह सकते तो वो सुंदर साहब श्री जी के बगैर कैसे रह गए होंगे अपने प्राण प्रियतम के बगैर, जिन्होंने पूर्ण पहचान ली है, जो ये बिचारी एक वचन तो अलग है ये पास के बीचे प्रदर्शन रात में दिन की फिर सुपर गई कि अगर एक वचन भी आपके साथ कर लेंगे तो हम उस धनी के चरणों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अलग नहीं हो पाएंगे सतगुरु के चरणों से।
तो इन सबका से आपने कैसे स्टैंड किया होगा, ऐसे स्टैंड करते करते 4 महीने बीत चुके हैं और जैसे उदाहरण हमने सुना था सुंदरता जी कि वो बच्चा अब माँ को मिलने के लिए तड़प रहा है और वो माँ का हृदय भी बच्चे को मिलने के लिए तड़प रहा है और अब वो समय आ गया है और जैसे ही श्री जी अब क्या कहते हैं तब पाती लिख उन पर उठ के आ गए। तुरंत श्री जी ने बोला कि अब जल्दी से मुझे मिलने के लिए आ जाओ वहां से, इन पर सोटा होएगा और इन मुसलमानों पर तो सोटा मतलब दंडित किया जाएगा इनको अच्छे से आदर के हुक्म उस प्रियतम के हुक्म से, और तभी इनकी पकड़ ठिकाने आएगी और ये जो जुर्म रखा रहे हैं ना वो तो अब निश्चित है कि वो खत्म होगा ही होगा। अगर ध्यान से नहीं समझे हैं तो दर से अवश्य समझना पड़ेगा इनको। और क्या हुआ, ये पाती लेकर पाती शेख बदल गया या दिल्ली विष्णु जल्दी से लेकर पाती शेख बदल जी गए हैं और मोमिनों को दे दी है। और जैसे ही मोमिनों ने ये बात सुनी तो तुरंत जाकर शेख इस्लाम को कहते हैं कि हमें अब जाने की स्वीकृति दीजिए। और शेख इस्लाम कहते हैं ठीक है आप परसों आ जाइएगा। और फिर क्या होता है कि जब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन सुंदर साहब जाते हैं तो शेख इस्लाम उनको बादशाह से मिलवाने के लिए ले जाते हैं और वो सर कुमार की आत्मा जो गणपैया दाल के परम धाम में बैठी हुई है उसको जगाने के लिए राज्य साक्षात आए। उन्होंने अपने प्राणों से भी प्रिय सुंदर साहब की आत्माओं को वहाँ पे भेजा हुआ है और वो औरंगजेब अपने सत्ता के मन में ना पहचान रहा है ना कुछ भी। अब जैसे सुंदर साहब उनको प्रणाम करने के लिए गए तो वो क्या कर रहा है सुंदर साहब जी, सिर नवाए देख लिया देख उदाई होके, 3 बार तो सुंदर साहब को देखता है उसके बाद सिर नीचे करता है और कहता है कि एक खुदा इन पर अपनी कृपा कर। उसको ये नहीं पता है कि उन पर तो कृपा देंगी और औरंगजेब पर भी कृपा करने के लिए वो आए थे लेकिन वो उस कृपा को आत्मसात नहीं कर पाए क्योंकि उनकी पात्रता नहीं। और हमारे पास भी हम बोलते हैं ना सुंदर साहब जी, जो सुंदर साहब ये कहते हैं कि धनी आए हैं तो लेकर ही जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है आज नहीं तो कल चले जाएंगे, कल नहीं तो परसों चले जाएंगे, अभी तो बरसों है क्या फर्क पड़ता है। तो उन सुंदर साहब के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम अपनी पात्रता नहीं बनाएंगे तो ये जीव जो है वो फिर से अगली योनि में चला जाएगा, आत्मा किसी और जीव पर बैठ जाएगी और उसको ये जो अवसर प्राप्त हुआ है अनमोल वो गवा देगा। तो पात्रता बनानी आवश्यक है। और अब क्या हुआ कि औरंगजेब बादशाह ने उनका उसको इस तरह से प्रणाम किया सुंदर साहब को और उनको 100 रुपये खर्चे के लिए देने के लिए बोला और उसको उनको यहाँ से वहां से विदा होने के लिए अनुमति दे दी। अब वो सुंदर साहब वहां से चल रहे हैं और आए पहुंचे उदयपुर मुलाकात करी श्री और अब वो सुंदर साहब चलते चलते अपने श्री जी के पास आ गए हैं और बहुत प्यार से श्री जी से मिल रहे हैं। सुंदर साहब जी उस समय का दृश्य कैसे होगा, जैसे हमने पहले भी देखा था कि अगर कोई माँ अपने बच्चे से दूर हो और उसको पता चले कि इस तरह से उसके बच्चे को पीड़ा मिली है किसी कारण से धर्म की राह पर चलते हुए उसकी शिक्षा को मानते हुए और वो उससे मिल ना पाए और ना बच्चा उस माँ के पास जा पाए तो दोनों जब मिलेंगे तब दोनों के दिल में कैसी पीड़ा कैसा प्रेम कैसी भावनाएं उठेगी। तो वही प्रेम उसी प्रेम भावनाओं के साथ उसकी आनंद के साथ अगर यहाँ की माँ और बच्चे में इतना प्रेम है तो वो आत्मिक प्रेम कैसा होगा। जब श्री जी ने कहा था ना शेख बदल जी आए थे कि आप लोग आएंगे तब मैं आपसे हंसते मिलूंगा तो वो सुंदर साल आए हुए हैं और श्री जी को प्यार से गले लगाते हुए कैसा अपना दिल में है और इतने प्यार से बात कर रहे हैं कि उनका सारा दुख दूर हो गया। और क्या हुआ भेंट बदल शामिल गए उन सुंदर साहब ने अब अपना फकीरी भेष जो औरंगजेब को मिलने के लिए जो फकीरी भेष धारण किया था उसको उतार के अब हिंदू वेशभूषा धारण की है और भैर स्नान के काज फिर से जाने के लीला में श्री जी के साथ चल रही है। और क्या हुआ इस समय उदयपुर में बड़ा क्या चर्चा हो गई, बहुत चर्चा अच्छे से होने लगी और राज्य के दर्शन होने लगे सुंदर साहब को प्रत्यक्ष रूप में। देखिए सुंदर साहब जी अक्षर देव की लीला तो पहले से हो रही है युगल स्वरूप तो अक्षर जैन में ही इंद्रावती की आत्मा के नाम में लेने की आत्मा लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इस तरह से सुंदर साहब को दर्शन नहीं हो रहे थे। और अब होने का कारण क्या है क्योंकि अभी हमने देखा कि जैसे जैसे पात्रता बनती जाएगी वैसे वैसे राजी देते जाएंगे
वो तो हर पल हमारे सामने ही है, क्योंकि सुंदरता की सेवा से, समर्पण से, तप से, त्याग से, ध्यान से राजीव के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित किया था, तो उनकी पात्रता बढ़ती जा रही। और इसीलिए क्या हुआ, जैसे जैसे उनके जीव के विकार दूर होते गए तो राजीव दिखने लगे उनको। ऐसा नहीं कि अब आए हैं राजीव, तो वहीं पे, और इसी तरह से हम राजीव सर हमारे सामने भी है भी, लेकिन हमें कब देखना प्रारंभ हो जाएंगे, जैसे हमारे जीव के विकार हट जाए। इसी उदाहरण से ले सकते हैं कि जैसे आप और मैं बैठे यहाँ पे, अगर एक ग्लास रख दिया जाए, कांच रख दिया जाए, उसको रंग दिया जाए, तो ना आप मुझे देख पाओगे ना मैं आपको देख पाऊंगी। तो इसी प्रकार से, लेकिन उस ग्लास को अगर साफ कर दिया जाए कांच को, तो आर पार दिखने लगेगा। तो इसी प्रकार से हमारी आत्मा के धाम में देखने युवा स्वरूप विराजमान है, लेकिन जीव ने आपका मंदी करी, जीव ने आत्मा को अंधा करके रखा हो, उसने एक आवरण कर लिया। कैसा आवरण? मिल अंतस्करण अंधे, अंतस्करण हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और जो कुछ भी इंद्रियां है उसने उसमें पर्दा कर रखा है। अब जैसे जैसे ज्ञान के उजाले में हम इन सब विशेष रूपों से दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, हमारा मन, हमारा जो जीव है उसके विकार सब साफ होते जाएंगे। और जैसे ही वो नीचे हटेगा तो आत्मा के नाम जिले में दूर स्वरूप है उसको वो दिखने लग जाएंगे। तो दर्शन राज की होगी। अब जब सीधी चर्चा करते हैं तो सुंदर साहब को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन होने लगे। और कैसे दर्शन हो रहे हैं कि जाको दिल चिर भात सो तासो मेरे नृत्य, मन जागया स्वरूप हुए के कारज किए सबसे। जो मुसलमान सुंदर साहब है उस जमात में शामिल हुए हैं, उन्होंने अगर मोहम्मद साहब पे ईमान लाया है तो उनको मोहम्मद दिख रहे हैं। जो देवचंद्र जी पे ईमान लाते थे उनको देवचंद्र जी का स्वरूप दिख रहा है। जो श्री जी को श्री जी के स्वरूप पर, युग स्वरूप पर ईमान रखते हैं उनको साक्षात युग स्वरूप दिख रहे हैं। और जो ब्रश की काना पर ईमान रखता है या उसी रूप में देखता है तो उनको काना के दर्शन प्रत्यक्ष रूप से होने लग गए सुंदर साहब जी। और हम भी सोचे अगर हमें भी सदगुरु महाराज की चर्चा में दर्शन नहीं हो रहे या ध्यान में दर्शन नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं हम कहाँ अटके हुए हैं। जब हम तो आशिक है राज जी के, जो उनके अंगों में अटके तभी तो हम उसके आशिक हैं। लेकिन हम अभी कहाँ अटक रहे हैं, जहाँ हमें दुख हो रहा है वहीं पे हम अटके हुए हैं। और क्योंकि हम माया में अटके हुए हैं इसीलिए हम एक दिन लटके गए है ना। और जब हम लटकेंगे ना तब युवा स्वरूप को याद करेंगे, तो उससे अच्छा है कि समय रहते रहते ही हम बहुत प्यार से अपने चरणों में समर्पित हो जाएगा ध्यान करते हुए। तो अब क्या हो रहा है, इस प्रकार से दर्शन होने लगे तो और ज्यादा सुंदर साथ आने लगे, लोग ऐसे आने लगे कि ऐसे कोई परमात्मा ब्रह्मी आए हुए हैं जो वैराग्य आए हुए हैं। जो क्या करते हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों के ग्रंथों से चर्चा करते हैं, उस पद्धन की राह को, प्रेम की राह को बताते हैं, सब लोग दर्शन करने के लिए आने लगे। तो जब सब आ रहे हैं तो उदयपुर का जो राणा था, राजा था, राज उन्होंने ये बात सुनी कि दरबार में भी शोर मचने लगा कि ऐसे कोई आए हुए हैं महात्मा। तो राणा ने जब सुना तो क्या हो रहा है, राणा को दो तरह की बातें सुनने को मिली है सुंदर साहब जी की। कोई तो उसकी अस्तुत निंदा सुन, राणा उसकी अस्तुति मतलब स्तुति प्रशंसा भी सुन रहे हैं उनके लिए और निंदा भी सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये किस प्रकार की बातें राणा के कान में जा रही है, क्या क्या बातें उनके दरबार में चल रही है सुंदर साहब जी। कोई कहे बड़े साधु, ये तो बहुत बड़े साधु महात्मा है, इनकी अनंत रोचन, इनके पास तो ज्ञान, अनंत ज्ञान है जिससे उस परब्रह्म की पहचान हो सकती है। कोई कहे ये ठग है, ये तो बिल्कुल ही ठग है और क्या करते हैं, इनको भेद धरा मुंह में, सिर्फ दिखावे के लिए इन्होंने ब्रह्म मुनियों का भेष धारण किया है, ठग है, इसका दिखाई देना है। कोई कहे मुसलमान है, कोई कहते हैं ये मुसलमान है, भेजे हैं सुल्तान, जरूर सुल्तान ने इनको भेजा हुआ है, तुमको मुसलमान कर दे, वो आपको मुसलमान कर लेंगे। ऐसा कौन बता रहा है, सारे बंगाली बादशाह को, राणा को बता रहे हैं कि लगता है कि ये मुसलमान है और औरंगजेब ने इनको भेजा है और वो आपको भी निश्चित रूप से मुसलमान बना देगा, तो इसलिए आप वहां जाना मत, रोक रहे हैं उनको। कोई कहे कुरान पढ़ते, कोई कहे वेद करे, कि वहां जाने आके बात बता रहे हैं।
कोई कहते हैं कुरान पढ़ते हैं, कोई कहते हैं कभी एक पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, कभी कुछ, कभी कुछ, इस प्रकार की बातें निंदा चुगली भी पहुंच रही है और प्रशंसा भी पहुंच रही है। अब ये करते करते ब्राह्मण को लगा कि अब मैं क्या करूँ, वो असमंजस में पड़ गया। तो सोचता है कि अगर कोई आए हुए हैं वैरागी तो मिलने के लिए तो जाना चाहिए, लेकिन सच में अगर औरंगजेब बादशाह के भेजे हुए खुद कोई होंगे तो इससे तो मेरा अधिक हो जाएगा। तो उसने क्या करा, अपने राज जो गुरु थे पंडित थे उनको बोला कि आप जाके देख के आओ कि क्या है वास्तविकता इनकी, और पंडित को पता ही कैसे होते हैं। अब क्या है, क्या हुआ कि वो जो ब्राह्मण थे पंडित थे राज दरबार के, वो कैसे थे, वे तो आए बेटा थे, इन्होंने ही काम आता था, वो तो बस अपना पेट पालने के लिए वाणी में कहा गया है ना, वैसे ब्राह्मण थे इसके नाम के कि गोविंद के गुण गाय के टापर मांगर दान, दिख दी जो पढ़ो ते मान भी जो बेचत है भगवान। तो ये वैसे ही है जो गोविंद के गुण गाते हैं, हवन करवाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, गृह शांति के लिए कुछ करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं निजी मूर्तियों में, और उससे जो चढ़ावा मिलता है उसी से खाना पीना और आराम से रहना, ना उनको साधना से कोई लेना देना है, ना ही उनको परमात्मा से या अपनी आत्मकल्याण से कोई लेना है। तो वो गए और श्री जी के पास, राजा ने बुलाया तो जाना पड़ेगा, तो राणा के कहने पर गए। तो श्री जी ने उनको बहुत आदरपूर्वक बैठाया, और क्या हुआ कि 40 प्रश्न भागवत के 15 वेदांत के सुनाए था उनको, भागवत के 40 प्रश्न और वेदांत के 15 प्रश्नों का उनसे आग्रह करके उत्तर मांगा कि ये आपके ग्रंथ है तो कृपया करके इसका उत्तर बताइए। अब क्या हुआ, जैसे कि अभी मैंने कहा इनको तो कुछ पता था ही नहीं, ना उन्होंने ध्यान साधना करनी थी करती थी, जैसे कि जैसे होता है ना चतुर्वेदी, चार वेद को पढ़ने वाले को कहते हैं चतुर्वेदी, धीरे धीरे उसमें से त्रिवेदी आ गया कि तीन वेदों को पढ़ने वाले और दो वेदों को पढ़ने वाले या ना पढ़ने बस नाम के हैं। पहले तो ये होता था कि कर्म के अनुसार ब्राह्मण होते थे और ये क्या है धर्म के अनुसार, मतलब सिर्फ जाति के वंश के कुल के अनुसार ब्राह्मण है, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण और क्षत्रिय का क्षत्रिय, तो वैसे वाले सिर्फ नाम के ब्राह्मण थे। श्री जी ने पूछा उनको इस प्रश्नों का उत्तर उनको कैसे आ सकता है कारण माने की वजह। तो अब क्या हुआ सुंदर साजी, और अगर जो सुंदर साथ या जो भी प्रवाद इस बात को सुने या अगर आपने कहीं पर जाए और इन प्रश्नों के विषय में पूछे, तो ज्ञानपीठ से एक छोटी सी पत्रिका छोटी हुई है जिसका नाम है ज्ञान मंजूषा, और उसमें ये सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है प्रमाणों के साथ। तो हम उसे पढ़े सीखे और सुंदर सा हम जो पैसा अभी मैंने कहा ना शादी ब्याह में इन सब में खर्च करते हैं या कोई किसी ना किसी की वर्ष गांठ में जो कुछ भी मनाते हैं, कि इन्होंने जो प्रश्न पूछे उसका जवाब तो हमें आता ही, तो राणा तो हमें निकाल देगा और हमें जो पैसे मिल रहे हैं हमारा जो गुजरान चल रहा है वो बंद हो जाए। और क्योंकि वो पेटा रखते हैं पेट के कारण ही सारा कुछ करते हैं, सिर्फ नाम के ब्राह्मण और सन्यासी है तो वो गृहस्थी से भी ज्यादा अपराधी। तो क्या हुआ कि उन्होंने जाकर वहां पे निंदा करना शुरू कर दिया कि इनकी निंदा कीजिए तुम सब में वो खबर हो, सब में एक खबरदार होकर उनसे निंदा कर दिया जाकर ताकि ये श्री जी के चरणों में ना जाता कि हम तो नहीं बताएंगे, लेकिन अगर श्री जी के चरणों में चले गए और श्री जी ने उनको बता दिया कि आपके राजगुरु यहाँ आए थे पंडित और वो हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके फिर तो अनर्थ हो जाएगा। तो इसके क्या करना है, इतनी निंदा कर देनी है राजा के सामने कि कोई उस राजा उसको मिलने के लिए जा नहीं सके। तो क्या हुआ, अब श्री जी उनका उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि कैसे ब्राह्मण है कि इनका बड़ा ब्रह्मा, ये किसके वंशज है ब्रह्मा जी के, और ब्रह्मा जी कौन है कि जिन्होंने भागवत में लिखा हुआ कि जब गर्भ में थे ना कृष्ण जी तब तो उस शरीर में आए गर्भ में आए हुए शक्ति को प्रणाम किया, लेकिन जैसे ही वो जन्म ले लिए कुछ वर्षों के बाद वो खुद की उनकी परीक्षा लेने चले गए कि देखते हैं कि इनमें कैसी शक्ति है। तो ये है ब्रह्मा जी, है ना। और क्या हुआ कि दूसरा बता रहे हैं कि दूसरे विशेश्वर, दूसरा एक उदाहरण भी लेते हैं कि करते थे जगत कि जब ब्रजमंडल में गाना थे प्रत्यक्षों से लीला हो रही थी तो कुछ ब्राह्मण जो थे वो यज्ञ करते थे हवन करते,
और जब माता टिक गई और कृष्ण ने बोला कि जाओ ये जिसका हवन कर रहे हैं मुझे इंदिरा का आह्वान कर रहे जाओ और जाके उसे भोजन लेकर आओ। बाल बालों को भेज दे वो जो यज्ञ कर रहे थे वो सारे ब्राह्मण ने क्या कर दिया कि जब तक हमारा यज्ञ पूरा नहीं हो जाता हवन पूरा नहीं होता हम आपको नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनको स्वरूप की पहचान ही नहीं है अपने आराध्यों की ही उनको पहचान नहीं है क्योंकि ऋषि सच में किसको कहा जाता है कहने की सिर्फ ऋषि है ऋषि वास्तव में कहा जाता है कि जो समाधि की अवस्था में ध्यान साधना करते हुए वेद मंत्रों का साक्षात्कार कर लेते हैं उनको कहा जाता है ऋषि और इनको तो संबोधित किया है श्री जी ने विश्लेषण मतलब उस ऋषियों में भी जो सर्वोपरि थे ऐसे ऋषि करके श्री जी ने इनके लिए व्यंग किया है वो ऐसे ऋषेश्वर थे जो मेरा लिए मेरे लिए आह्वान कर रहे और मेरी शक्ति जिस शक्ति का आह्वान कर रहे अच्छा है कि कोई तो उस दिन में बैठी हुई है और उसकी मंगवाने पर वो भोग भी नहीं दे रहे क्योंकि अगर वो समाधि होते और सच में ऋषि होते तो उनको तो पता चल जाता कि इनके अंदर कौन सी शक्ति कार्य करती तो वो ऐसा नहीं करते लेकिन उस समय पर भी जब द्वापर युग में कृष्ण हुए उस समय भी धर्म भ्रष्ट हो चुका था और ये सब साधना से ध्यान से दूर जा चुके थे सिर्फ नाम के लिए ब्राह्मण और ऋषिश्वर थे ये ऋषि कहलाते थे लेकिन ऋषि वाली कोई उन्हें गुण क्वालिटी नहीं थी और इसी के कारण वो पहचान नहीं कर पाए और काना को प्रसाद नहीं दिया लेकिन उनकी पत्नी हुई बहुत प्रेम से उसकी पहचान की ये बार बार आए हैं तो ऋषि भी काना ने अपने से बोले और उन्होंने उसको भोजन करवाया तो इसीलिए कहा जाता है कितनी सफलता है वो तो नहीं पता लेकिन कहा जाता है कि आज की ब्रज में अगर हम जाए ना वृंदावन की तरफ तो वहाँ पे ना स्त्रियों का ज्यादा अधिकार है उनको ज्यादा अधिकार दिया जाता है ब्रज में पुरुषों की अपेक्षा क्योंकि जब काना को भोजन करवाया तो उन्होंने कहा कि ये जो मति ब्राह्मण है ना उनका उनसे ज्यादा वर्चस्व तो इन स्त्रियों का होता है। और क्या आपको तीसरा उदाहरण देंगे श्री ये भी बताया कि ये वो ही ब्राह्मण है कि जो क्या है भृगु के वंशज है जिस भृगु ने परीक्षा लेने के लिए विष्णु की छाती पे लात भी मारी। जब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान ब्रह्मा जी अपने अहंकार में नहीं कर पाए भृगु जो है वो भी परीक्षा लेने के लिए गए थे लेकिन उन्होंने भी तो छाती पे लात भी मारी विष्णु के उसी प्रकार से ये ब्राह्मण भी तो ये जो पंडित है सिर्फ कहने के हैं और उन्होंने सिद्धि के अंदर जो अक्षर की शक्ति विराजमान है ना खुद पहचान की और ना ही दाना को उनके चरणों में आने दिया तो हमें भी सुंदर साजी बहुत सोच समझ के ज्ञान की चर्चा में बैठना चाहिए जो हमारे राह को गुमराह कर सके जो वाणी के विपरीत कोई वचन मिले उनसे हमें हमेशा बच के रहना चाहिए क्योंकि अभी हमारा जो पूर्ण रूप से जागृत नहीं हुआ पता नहीं कब हमारी राह अपनी राह से बदल जाए तो दिक्कत की सारी फसल से हर एक चौपाई से हमें सीख लेनी चाहिए और अब क्या हुआ एक तो इन लोगों ने निंदा करके राणा को भटका दिया और दूसरा राणा में हम भूल भी नहीं था इसीलिए वो घर जाता है और दूर से श्री जी का दर्शन करता वापिस आ जाता है ये उस जितना उसका अनुभव था उतना ही उसको सुख मिला वो जाति चर्चा नहीं सुनता है देखिए ना सुंदर सा जी ना मुसलमान श्री जी की चर्चा सुनते हैं क्योंकि श्री जी हिंदू देश में है और ना हिंदू की चर्चा सुनते हैं क्योंकि कपिल पक्ष की चर्चा करते हैं लोगों को लगता है ये औरंगजेब की आंखी है और मुसलमानों को लगता है कि ये हमारा गलत करने के लिए आया तो ना हिंदू सुन रहे ना मुसलमान सुन रहे जब श्री जी की ऐसी स्थिति थी तो हम भी जाएंगे तो ऐसा होगा लेकिन वाणी से ही सबको पहचान होगी हमें युद्ध करते रहना है और इसी के लिए प्रेरित कर रही है यों करते एक दिन राणा चला तार पर राणा आया उसने दर्शन तो कर लिए अब क्या हुआ कि श्री जी को ताल के पास में ही एक हवेली में रह रहे थे एक हवेली भी ताल के पास में वहीं पे उस समय रह रहे थे और राणा भी उसने दर्शन करके वापिस लौट गया और इस ताल को एक विशेष रचना करती है कि इन समय सात के दो को लेने लगेंगे साहब सब सात पर पढ़ने जोर देंगे बात क्या हुआ सुंदर सा जी कि जैसे अभी मैंने कहा कि हिंदू और मुसलमान ही नहीं जो बारह भूमि वहां पर गए थे ना उनके लिए सुंदर साहब के मन में भी मन मोटा वाला क्योंकि सुंदर साहब की आत्मा भी तो पूर्ण रूप से जागृत नहीं है तो उनके जीवन में ये अवगुण दिखा कि ये सुंदर साहब चार महीने तक औरंगजेब के वहां पे रहते आए भगवान ने
पता नहीं क्या खाया होगा क्या नहीं खाया होगा, और उस समय तो छुआ छूत का बोल वाला था, तो उसी के चलते सुंदर साथ ने उन्हीं सुंदर साथ से दूरी बनाना शुरू कर दिया। भोजन के समय पे भी ना उनसे बैठ उनके साथ बैठते थे ना ही सही मुझसे बात करते थे, उनके मन में ये आ गया था कि ये कैसे हो गया क्या छूट हो गया। अब देखो सुंदर साथ जी जरा सोचे कि जिन ब्रह्मियों के लिए वाणी ने कहा गया है कि ऐसे ब्रह्मियों पर तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की खोज तके तैगुण चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज तके तैगुण कई दिन करे तपस्या यो कैवल्य नहीं तो बचा और किसी की चरण दीयो को प्राप्त नहीं, जिसके लिए अक्षा तीज स्थल में बैठे हुए हैं वो बोलते कि मैं करोड़ों बार आपको प्रणाम करती हूँ वृंदावन की यात्रा, मैं आपके अधीन हो गए आपके प्रेम और समर्पण के। उनको अगर उस अक्षा वो अक्षा के दिल में बैठे हैं और उन्हीं के दिल के टुकड़ों के बीच में अगर मन मुटाव हो जाए और वो भी ऐसे ब्रह्मियों के लिए जो उनकी राह पर समर्पित हो चुके हैं जिनसे उनकी आत्मा एक पद के लिए भी अलग नहीं है, तो उनको कैसा कष्ट होगा। जैसे अभी तो वर्तमान समय में बहुत अच्छा उदाहरण है कि माता और माँ के दो बच्चे बेटे हो तो वो भी साथ में नहीं रहते, लड़ झगड़ के अगर अलग हो जाए तो माँ के दिल की कैसी स्थिति होती है, तो अगर यहाँ की माँ की स्थिति हो रही है तो उनको आदमी रिश्ते से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, पर अब माँ हमारा कसम है, हम कहते हैं कि जात एक कसम की और न कोई जात, एक कसम एक दुनिया और हो गई मुझे बात कि कितनी उच्च वाणी कितने उच्च सिद्धार्थ को लेकर भी अगर हम आपस में ऐसा भेदभाव है तो ये करें तो ये श्री जी के मन को कैसे चल सकता था। तो उनको बहुत दुख हो रहा है सुंदर साथ के इस व्यवहार से और वो कैसे इस विकार को दूर करते हैं, सब साथ पर परिखंड उन्होंने सब सुंदर साथ को बिठाया और खंडनी के वचन करे और कहे और ज्ञान से उनको समझाया कि जिस सुंदर साथ के लिए कहा गया है कि साथ के चरण धोए कीजिए, तीन सुंदर साथी तो चरणों को धोकर पीना चाहिए, ऐसे ही ब्रह्मी है और ये सुंदर साथ तो मेरा पैगाम देने के लिए सब जगह ले गए थे और ये अगर अशुद्ध हो गए तो दुनिया में कौन शुद्ध हो पाएगा, अगर ये अशुद्ध है तो शुद्ध कौन होगा, कि जबकि ये तो मेरा ही स्वरूप बन गए हैं और मेरी ही पहचान लेकर कितने शुद्ध हो गए थे दूसरों को भी पवित्र करने की ताकत रखते हैं, और अगर उन्हीं सुंदर साथ के बीच में ऐसा मन मोटाव नहीं जाएगा तो ये बिल्कुल ही गलत है। और जिसके लिए वाणी में ये वचन भी कहे गए हैं कि अब जो घड़ी रहो साथ में वो रहो तुम तेलू समान, इत जाके को परे ही अच्छे तो चतुर सुजान, अगर कोई चतुर सुजान हो तो क्या करना चाहिए, उसको अपनी आत्मा को जागृत कर लेना चाहिए और जितने भी दिन तक सुंदर साथ के चरणों में इस ब्रह्मांड में हम है उनके सामने बिना प्रबंध के रहना चाहिए, क्योंकि एक तो पाठशाही दिन की सो तो घरी भी से होए और स्मार्ट समूह बिना कभी न पावे कोई, जब तक हम गरीबी नहीं देंगे जब तक हम विनम्र नहीं बनेंगे जब तक हमारा हृदय कोमल नहीं है जब तक हम मन वाणी और कर्म से किसी का दिल दुखाते हैं और वो भी ब्रह्म मुनियों का, तो कभी भी हमारी आत्मा जागृत नहीं हो सकती। जिसको हम हृदय में बसाना चाह रहे हैं उसी के दिल के टुकड़े को वो जिस दिल में बैठक करके बैठा है उसको अगर हम दुखी कर रहे हैं तो उस प्रियतम को हम कैसे दिल में बसा सकते हैं। सुंदर साथ जी तो हमें इस घटना से सीख लेनी चाहिए कि कभी भी सुंदर साथ में ना ही दुनिया में कभी भी किसी भी प्रकार का जातिवाद प्रांतवाद धन की पद प्रतिष्ठा है किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये गोरा ये काला ये ज्ञानवान ये अनपढ़ ये पढ़ा लिखा ये धनवान ये गरीब, किसी भी प्रकार का भेदभाव अगर हमारे मन में आ रहा है तो कभी भी श्री जी या धनी हमारे दिल में नहीं बैठ सकते। अगर हम चाह रहे हैं कि वो धनी की हमारे दिल में बैठक हो हमारी आत्मा जागृत हो तो हमें इन सब शरीरों के भेदभाव से ऊपर उठना पड़ेगा और इसी को समझाने के लिए श्री जी ने ये घटना वर्णन की है कि भेद बद जाए संबंधी और अब क्या हो सिर्फ खंडनी करके नहीं समझाया श्री जी को, इसको जड़ मूल से निकालना इस विकार को जो सुंदर सा के दिल में आया था और हमें भी प्रेरणा देनी थी, इसलिए श्री जी ने क्या किया भेद बदलाए सबल सबको फकीरी वेश धारण करवा दिया, सबका सबसे पहले तो खुद फकीरी वेश धारण किया अपना सिर मन मुंडन करवाया और विरक्त वेश धारण किया है
और सुंदर सार को भी कहा कि सुंदर सार जी, मैंने ये पेज धारण किया है और अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ इस जागने लीला में सहभागी बनो, मेरे साथ चलो, तो आप सबको भी इस पेज को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और साथ ही सबको फकीरी सो दिया हाथ में, और ऐसा बोल के सबको फकीरी भेष पहनने के लिए दे दिया। और सुंदर सार क्या करे, तो क्या हुआ, रोए धोए राजे गए। किसी किसी सुंदर साहब ने तो खुश हो गए, फकीरी भेष धारण किया कि जब राजी के लिए सब कुछ छोड़ दिया तो इस भेष को उतारने में भी हमें बहुत आनंद आ रहा है। तो एक लीला भी उनके लिए, और इतने खुश हो गए सुंदर साहब ने फकीरी भेष धारण किया, और कुछ सुंदर साहब ने लोग धोखे दुखी क्योंकि आत्मा जागृत नहीं थी तभी तो ये भेदभाव कर रहे थे ना, तो अभी भी पूर्ण रूप से जागृत नहीं थे तो दुखी हो गए कि अब क्या किया। दातुन दे दिया, श्री जी के चरणों में आ ही गए, जब उनका हुक्म है उनके साथ ही चलना है, कहाँ जाएंगे, इनके अलावा कोई देर नहीं, तो चलो कोई नहीं, फकीरी भेष धारण कर भी लेते हैं। तो दो धोके हुए खुशहाल, और क्या हुआ, रोए हुए राजी हुए, नाच कूद हुए खुशहाल, और कुछ कुछ सुंदर साहब तो नाचते कूदते हुए इतने खुशहाल होकर धनी को ले जा रहे थे, और सारा अपना सिंहार छोड़ के विरक्त देश में जैसा श्री जी ने भेज करा वैसे ही घर के हाथी के कदमों पर कदम धरे मोहित करके, वो बिल्कुल अपने हाथी श्री जी जैसा जैसा करके दिखा रहे वैसे वैसे करते जा रहे, और इतना आनंद आ रहा है उनको कि वो उसी को ही जान सकता है जो श्री जी के चरणों में या सदगुरु के वचनों पर चलेगा, तो उस वचनों पर चलने का या उसको जीवन में उतारने का जो आनंद है वो सिर्फ वही ब्रह्मपुरी ही जान सकते जो सच में उसको जीवन में उतार गए। माया के विषय सुखों में जितना आनंद नहीं है उतना उसको छोड़ने में, उससे 16 गुना या कई ज्यादा गुना आनंद हमें उसको छोड़ दिया है। तो इन सुंदर साहब को भी वही आनंद आ रहा है। और अब क्या हुआ, काढ़े अपने अवगुण ले जबराए संग बालक, धनी का जोश लेकर प्रेम पूर्वक उन्होंने ये सारे विकार को श्री जी ने सुंदर साहब के दिल में से जड़ से ही निकाल दिया, और सारे विकार थे टकलू किए हुए सर, और कोई आगे जा रहा है पता ही नहीं चल रहा पीछे से कि ये लालदास जी है या ये मुकुंददास जी है, ये कौन थे ये कौन थे, सुंदर साहब को पता ही नहीं चल रहा, सारे एक जैसे दिख रहे, तो किसका साथ करेंगे और किससे दूर रहेंगे, और थोड़े समय में सारे एक हो गए और फिर से आत्मभाव में लग गए। इसे समझना चाहिए सुंदर साहब जी की जगह जगह पर सुंदर साहब के मन में भी लज्जा आ रहा क्योंकि पूर्ण रूप से आत्मा जागृत नहीं है, तो हमें भी सीख लेनी चाहिए। अगर हम ये सोच के आराम से बैठे हुए कि हमने तो बहुत सीख लिया समझ लिया, तो हम ये समझे कि कभी भी साक्षात अक्षर भी जिस संत से लीला कर रहे हैं, जो सुंदर साहब हमारा अपना सब कुछ छोड़ के बर्बाद छोड़ के वहां चल रहे हैं, धूप शीत वर्षा शीत सब कुछ सहन कर रहे हैं, फिर भी माया हावी हो जा रही है बीच बीच में उनके ऊपर, तो हमारी क्या स्थिति हो, तो हमें क्या करते रहना चाहिए, वाणी मंथन से जीव के विकारों जीव को बल मिलेगा, सात्विक आहार जिससे हमारा शरीर और मन शुद्ध होता रहे, और आत्मा का आहार देना पड़ेगा। आत्मा को कैसा आहार देना पड़ेगा, सात्विक आहार, और उसका आहार क्या है, आत्मा को सात्विक है, आत्मा का आहार क्या है, शरीर को सात्विक शुद्ध आहार दिया तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो वाणी की चर्चा अच्छे से समझ में आएगी, वाणी के वचन समझ में आएंगे तो जीव निर्मल होगा, जीव और मन का निर्मल हो जाएगा तो आत्मा जागृत होती जाएगी, तो हमारा ध्यान रखा जाएगा। आत्मा का हाथ क्या है, ध्यान, ध्यान से राजी को याद करना, उनके स्वरूप को दिल में बिठाना, वही तो आत्मा का हाथ है। खाना दीदा ही का या सो जीवी दीवी सांस दोस्ती के स्वरूप की दिल से भी कर क्या, आत्मा का तो खाना पीना सब कुछ राजी का दीदार है, तो हमें रोज याद रखना है कि जैसे देवचंद्र जी आत्मा को पहले आहार देते थे और फिर झूठे शरीर को, हमें भी एक नियम बनाना है कि सबसे पहले हम आत्मा को आहार देंगे, ध्यान करेंगे, अपने आत्मा की प्रियतम को याद करेंगे, उसके बाद जीव को आहार देंगे वाणी का मंथन करके, क्योंकि वाणी में कहा गया जो लोग जीव नहीं छोड़ेंगे ही पीला ये वाणी, तो फिर जीव का आहार करवाएंगे और फिर शरीर को आहार देंगे, और शरीर को भी वैसा ही सात्विक आहार देंगे जिससे कि वो चल सके राज्य की राह। बहुत आसान है अगर हम रोज कर लेंगे, फिर ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो ये सुंदर साधु बहुत प्यार से श्री जी के कदमों पर कदम करते, श्री जी के कदमों पर कदम मिलाते कुछ जाने की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं सुंदर साहब जी। और इस बीच में क्या हुआ, अब बहुत सारे मुसलमान वहां पे आ रहे हैं,
तो ये बात वहां से ही मुस्कर औरंगजेब श्री जी जहां जहां जा रहे पीछा तो कर ही रहे, क्योंकि औरंगजेब को क्या लगा था कि प्रत्यक्ष रूप से श्री जी उनसे नहीं मिल पा रहा है, इमाम मेहंदी को ना वो मिल पा रहा है और ना ही उसके आस पास वाले राजे मोहन भी उसको मिलने देंगे, क्योंकि श्री जी से प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा किसी फकीर से तो उसको मार दिया जाएगा, और क्योंकि वो पाचा है छुटपुट के लिए नहीं सकता। हालांकि वो छुटपुट के मिला था श्री जी से, इसका कुछ प्रमाण है कहीं पर, लेकिन फिर भी वो जाहिर है तो नहीं मिल सकता था, इसलिए उसने क्या किया कि जहां जहां श्री जी जा रहे हैं उनका पीछा कर रहे और उन्हीं उन्हीं राजाओं में हमला भी कर रहे हैं। उसको लग रहा है कि मैं हमला करूंगा फिर श्री जी को कैद में ले लूंगा, और जब मेरे कैद में आ जाएंगे तब तो किसी को पता ही नहीं चलेगा और मैं कैद में लेकर उनसे बात भी करूंगा। तो उसका वो क्योंकि अंदर को आत्मा है ना, चाहे कितना भी विकार ग्रस्त जीव हो, जो कभी भूली नजर तो भी नजर कहाँ मिला, जो कभी भूली वतन तो भी नजर कहाँ मिला, अगर कदाचित आत्मा भूल भी जाएगी तो फिर भी वो धनी के वचनों के प्रति उन्मुक्त रहेगी, राज्य उसको ढूंढने नहीं देगी। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि उनके साथ के दिन में सब कुमार के दिन में भी अभी आ गया, पीछा नहीं छोड़ रहा है, जहां जहां श्री जी जा रहे हैं एक बार तो मिलना है, अंदर से तड़प कर साथ में खेलता है अंकुर के पानी। तो क्या हो रहा है कि वो उदयपुर में उसकी फौज जा रही थी घोड़े पे सवार होकर, और उन मुसलमानों को भी पता चला कि अरे हमारे तो बहुत सारे मुसलमान भाई इनकी चर्चा सुन रहे हैं, हम क्यों ना जाए। तो बहुत सारे सुंदर सा चाहते हैं जिनके नाम भी तक में लिखे गए कि पठान सौदागर इनायत, एक सौदागर थे पठान जिनका नाम था इनायत खान, वो गए घोड़े से तुम घोड़ पर सवार थे, बात सुनी उतरे हैं और शिव जी की चर्चा सुनने आए थे कि ये प्रेमा मंदिर की बात कर रहे हैं, तो वो सब आए और क्या हुआ सुंदर साक्षी उसने एक अवगत खान के और श्री जी विषय भी उन्होंने नूर मोहम्मद से सुना, तो वो भी श्री जी के चरणों में आए और बात करने लगे। अब क्या हुआ कि श्री जी से जैसे ही उन्होंने थोड़ी बहुत चर्चा सुनी उसके बाद अवर खान नूर मोहम्मद के पास जाते, अभी उनसे सुना था ना नूर मोहम्मद जी को आए थे बारात में जा रहे थे, उन्होंने भी श्री जी से कहा किया क्योंकि वो वहां श्री जी के चरणों में थे, तो अवर खान गए और उन्होंने नूर मोहम्मद को पूछा कि ये नूर मोहम्मद क्या पूछ रहे हैं कि अव्वल खान पूछिया जो है मोहम्मद नूर मोको खबर तुम दे इन वैरागी का मुझको, तुम मुझे इस वैरागी की वास्तविकता बताओगे कि सच में ये कौन है जो अल्लाह ताला की बात कर रहे हैं, कुरान के छिपे हुए भेद को खोल रहे, तुम तो इतने समय से इनके चरणों में हो तो तुम्हें जरूर पता होगा और क्या बोल रहे, सिर्फ इतना भी नहीं बोल रहे और क्या बोल रहे सुंदर साक्षी कि जो तुम छिपा लेगा मुझे और मुझसे कुछ भी मत छिपाना, तो वो मैं दामन दे, अगर जो तूने मुझसे छिपाया तो मैं जब न्याय का दिन होगा ना तो तेरा दामन चढ़ूंगा उस परमात्मा के सामने अल्लाह ताला के सामने कि इसने मुझे आपकी पहचान स्पष्ट रूप से नहीं बताया। तो एक और है कहाँ से आया, एक कैसा है फकीर, ये फकीर कौन है कहाँ से आए और कैसे है, ये तू मुझसे छिपाएगा नहीं, तूने जो पहचान की वो स्पष्ट रूप से मुझे बता दे, ठीक है। अब क्या हुआ तब नूर मोहम्मद ने बहुत खुश होकर श्री जी के स्वरूप की पहचान करवा रहे हैं कि भाई ये है तो हिंदू के देश में लेकिन कौन है, साक्षात इमाम मेहंदी है, इनके पास कौन किसका ज्ञान है, उस अल्लाह ताला का ज्ञान है, उसकी सच्ची राह बताते हैं और कुरान के हकीकत मार्फत के भेद भी ये खोल के बताते हैं कि वास्तव में उस खुदा ताला को अगर पाना हो तो कैसे पाया जा सकता है, और वो क्यामत के निशान और जो भी कुरान में लिखे हुए हैं संकेतों में उसको भी प्रकट करके बताते हैं। अब क्या हुआ अव्वल खान ये बात सुन के गया श्री जी के पास, और जब श्री जी की चर्चा सुनी जैसे ही उसको पहचान हुई तो चर्चा के बीच में सुंदर सा कोड़े निकाल के चाकू निकाल के खुद को ही पीट रहा है और धिक्कार रहा है कि धिक्कार है अव्वल खान तुझे कि इमाम मेहंदी इतने समय से आए हुए हैं और तू अब उनके चरणों में आ रहा है, उन्हें इनकी पहले पहचान भी नहीं करी इतनी उम्र तेरी ईद को। और जब उनकी ऐसी स्थिति होती है सुंदर साक्षी हम भी तो सोचे वो कितने सालों से सुन गया और फिर भी हमारे पेट का पानी भी नहीं होता, कैसे शांत होकर बैठे हैं, जैसे मैंने कहा था ना कि आज करे सो कल कर कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है अभी पड़े हैं परसों,
लेकिन सुंदर साजी मान क्या कहती है, श्वास श्वास नहीं जमा छोड़ता श्वास मत हो ना जाने इस श्वास को आवन कोई न हो। हमें नहीं पता कब हम मर जाएंगे, तो कोरोना की बीमारी छोटे बड़े सारे मर जाते, किसे पता था कौन कौन छूटेगा, आने वाले समय में भी क्या कुछ नहीं होगा। हमें पता है कि इसके बाद भी जो आने वाली समाज से वो आएगी, रात को सोते तो हमें पता कितने लोग नींद में मर जाते हैं, सुबह उठने की हमें वो भी नहीं पता। और हम आराम से बैठे, इसीलिए ऐसे सुंदर साहब के लिए भी जी ने कहा है कि ताते भूकंप के से दोष दे बैठ ना सके होंगे, वो भी तो उसको कहेंगे कि छुट्टी दिन पल पल हर पल हर घड़ी अपनी हर एक सांस को श्री जी के चरणों में लगाएगा और नाम सुनते ही टूक टूक हो जाएगा और कुर्बान हो जाएगा। ये चल के दिखा रहे हैं तो श्री जी ने उनको रोका, उनका हाथ पकड़ा और बहुत प्यार से अपने पास में बिठाया कि अगर ना ऐसे शरीर को कष्ट मत दे। और क्या हुआ उस समय वहां पर पट दर्शन जो है वैराट पर दर्शन उसके नक्शे बनवा रहे थे श्री जी, जिसमें पाताल से लेकर परम धाम तक के सारे नक्शे बनवा रहे। और क्या हुआ लिखाए बैठे राजी श्री जी साक्षात उसको लिखवा रहे थे और मुकुंद दास जी जो है वो उस सेवा का नेतृत्व कर रहे थे। उस समय कुछ पठान लोग वहां पर आ गए और मैं ना एक बात हमेशा मेरे दिल में आती है सुंदर साहब जी, कि हम सोचे कि उस समय श्री जी ने कितना कुछ करवाया, जैसे वैराट का पढ़ लिखवाया, कितनी कुछ टीकाएं करवाई, उनकी चर्चा को भी सुंदर साहब पन्ना जी में भी लिखते थे। और हम सोचे ना कि हमने तो बाघा वासी को सब कुछ रखा उनका सहेश्वर जितना हो सकता था, बर्तन भी रख दिए, लेकिन क्या सच में उस ज्ञान को जो हमारे घरों पर है उसको हमने संभाल के रखा होता तो आज कुछ और भी स्थिति होती। सोचो अगर हमें श्री जी की वो चर्चा मिल जाती तो हमें वर्तमान में भी पता चल जाता कि ऐसी चर्चा वाला करने वाला स्वरूप कौन है। पर सच में ये भी सतगुरु महाराज है हमारे, जिस तन में कभी भी पीड़ा नहीं है, जिसके लिए कहा गया है तुम ही उतर आए अर्श से, कि तो तुम ही क्यों मिला, तुम ही दही से शुद्ध अर्श की जो अर्श में हुआ और वो एक पल भी हमारे लिए अलग हमसे अलग ना थे ना है ना रह सकते हैं। अगर उस समय भी देवचंद्र जी का कर्म छोड़ने से पहले उन्होंने वीरराज जी के दिल में अपना आसन बनाया, उसके बाद छत्रसाल जी के दिल में और उसी प्रकार से एक के बाद एक के बाद एक एक ब्रह्मियों के दिल में वो बैठते रहे हैं। और अभी हमें पता है कि सरदार जी के पहले बड़े महाराज जी के उनसे पहले राजनारायण गुरु जी के अंदर थे, तो अभी भी तो वर्तमान में किसी तन से लीला हो रही है। अगर हमें उसे पहचानना होगा तो उसे चर्चा से पहचानना है, उसे ज्ञान से पहचानना है। वैसे तो हमें उसको संभाल के रखना चाहिए था उस ज्ञान को, जिससे कितना कुछ खुल जाता और आज हमें बहुत बड़े प्रमाण मिल जाते। ये जो श्री जी वहाँ समाधि अवस्था में बैठे हुए उनको हम भागा वस्त्र और कोई उनके सिंगार देख देगा उससे किसी की आत्मा जागृत नहीं होगी, उससे किसी को पहचानना होगी लेकिन उस ज्ञान से अवश्य पहचान हो जाएगी। भागा देखने से किसी को क्या मिल जाएगा, उसको पहचान हो सके श्री जी के स्वरूप। और ऐसा ही श्री जी करवा रहे थे तो उस समय क्या हुआ कि वहां पे कुछ पठान मिलकर आए, उन्होंने सोचा कि इस श्री जी को हम कहते हैं कि आप ना मुसलमान वाला मोहम्मद साहब का कलमा पढ़ो तो हम आपके चरणों में झुकेंगे। पर जब इन्होंने ऐसी बात की या तो वो पहचान कर रहे थे ज्ञान से, ऐसी बात नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे कि आप अगर कलमा पढ़ के सुनाओगे मोहम्मद साहब का तो मैं तो हम आपको स्वीकार करेंगे आपके चरणों में आएंगे। ये बात सुनकर श्री जी को जोश आ गया, उन्होंने बोला कि मेरे मोहम्मद के बीच में कौन आवे बड़ा अफसोस। उनको बहुत जोश आ गए, उन्होंने बोला कि आप लोग कौन होते हो मेरे और मोहम्मद साहब के बीच में आने, क्यों ऐसा बोल रहे हैं श्री जी। उनको जोश आ गया कि जिस मोहम्मद साहब का कलमा पढ़ने के लिए बोल रहे हैं उस मोहम्मद साहब में कौन था, रास लीला खेल के आए बराबर श्याम, जो अक्षर की आत्मा रास में आई थी ब्रज में काना के तन में आई थी, मोहम्मद साहब के अंदर भी वही तो आई थी अक्षर की आत्मा, वही अक्षर की आत्मा भी कहाँ बैठी हुई है, श्री जी के अंदर बैठी हुई है। और ये बोल रहे कि उसका कलमा पढ़ के सुना तो हम आपके सामने झुकेंगे, तो श्री जी को आ गया जोश, उन्होंने क्या तुम कौन होता है मेरे और उनके बीच में आने वाले आप लोग, आपको स्वीकार करना है तो स्वीकारो नहीं तो मुझे कोई परवाह नहीं। और उनकी इस ऐसी जो घटिया होकर थी श्री जी के सामने उन्होंने जो ये जरूरत की थी वो अकबर खान जैसा सुंदर सा मोमिन जो है सच्चा वो कैसे सहन कर सकता था, तो उसने क्या किया उसको भी जोश आ गया
और उसका जोश देख के जैसे ही वो खड़ा हो गया उस पठान को देखने लगा और सारे पठान वहां से भाग निकले। भागते नहीं कि अब घर जाके क्या करेंगे, निंदा करने के अलावा तो कोई मार्ग ही नहीं है। तो घर जाके सबको कह रहे हैं कि ये तो वैरागी हिंदू देश में आए हुए हैं और क्या कर रहे हैं मुसलमान को भड़का भड़का के अपने शागिर्द अपनी को अपने लग में जमा करवा रहे हैं, इनसे दूर ही रहे। वो अन्य मुसलमान को भड़का रहे, देखो सुंदरसा जी खुद तो नहीं पहचान कर रहे हिंदू भी भड़काने में लगे हुए हैं और मुसलमान भी भड़काने में लगे हुए हैं। और इसी के चलते क्या हुआ कि एक दिन किरणधर ने तो ये सारी बातें चल रही है और एक दिन वहां पे तारकन की है श्री जी और किरणधर उतर रहा है वहां पर ब्रजराज के किरणधर उतर रहे थे। सुंदर सा बहुत खुशी से उसका आनंद ले रहे थे और उस समय राणा आ गया। राणा को बात तो कान में जा रही है ना कि इतने इतने लोग जा रहे हैं कि जो हम मुसलमान भी झुक रहे हैं और मैं हिंदू राजा हूँ कहीं के दर्शन के लिए ना जाऊँ, तो इसीलिए वो शर्म के मारे कहीं ना कहीं जा रहा है क्योंकि राणा के प्रभु में भी किसका खून दौड़ रहा है। राणा प्रताप था महाराणा प्रताप था तो कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ हिंदुत्व है, इसीलिए वो शर्म के मारे जाता है। लेकिन क्योंकि उसको भड़का रखा गया है मुँह पे पर्दा कर लेता है, दूर से सुनता है जितना पूरे उतना सुन पाता है वहां से चल देता है। जो जितना सच्चे हृदय से आएगा उतने ही सच्चे हृदय से उसको पाएगा और जल्द पाएगा। तो अब क्या हो रहा है तीनों के दिल में शक रहे आया ईमान अव्वल खान और राणा के दिल में अव्वल खान जो ईमान लेकर आया था ना उसके लिए भी शक रहता है। क्या चल रहा है 300 मस्करी करते हैं। क्या मस्करी करते हैं कि हिंदू बैराती के अंदर जो अल्लाह ताला तुझे नजर आ रहे हैं तुझे तो इनकी स्वरूप की पहचान है, बड़ा आया तू मानने वाला इमाम है, ऐसे करके उनकी मजाक करते। खुद हिंदू राजा है अल्लाह ताला अक्षराती पूरण ब्रह्म जिस तक में आए हुए हैं उसको उसका ना ज्ञान सुन रहा है ना पहचान कर रहा है, जो उसके चरणों में समर्पित हो रहा है उसके लिए भी बोल रहा है कि उसकी मस्करी कर रहा है। और क्या कह रहे हैं वो इसी प्रकार से कई घाटी बीतक हुई और अब श्री जी तार से चलते हुए अभी तक तो वो तार की हवेली में अंदर रह रहे थे, अब वहां से चल के उदयपुर जाते हैं। और क्या होता है सुंदर साक्षी कि उस समय गोवर्धन भट्ट आते हैं सूरत से और वो अपनी पत्नी के साथ सब कुछ छोड़ के श्री जी के चरणों में आ गए हैं। और इन समय पाकिस्तानी करी मुहिम प्राणी जैसे मैंने अभी बताया कि औरंगजेब बादशाह क्या करता था उसका पीछा करता है, उसको चैन नहीं मिल रहा है इमाम में भी चले गए लेकिन अंदर से वो तड़प उन्हें मिलना चाह रहे, तो इसलिए उसने क्या किया राणा के ऊपर मुहिम छेड़ी, लड़ाई का आदेश दे दिया। उसने क्या किया कि वो आमेर में छावनी बना के रहे और उसने उदयपुर के राणा को के पास अपना दूध भेजा और उस दूध को क्या कहा दूध से क्या कहलाया कि पांच परम ने देव तुम्हें जो हो गए मुसलमान, कि राणा को जाकर आप कहना कि मैं आपको पांच परम मतलब छोटे छोटे राज्य दे दूंगा अगर तुम मुसलमान बन जाओ। अब वो राणा कौन था उसकी तो महाराणा प्रताप के ही वंश था, उसने वंशज थे वो उनके, तो उसको आ गया राजपूताना कौन है उसको आ गया जोश इसकी बात सुन, तो उसने उस दूध को भी फटकार लगाई और कहा कि उसको बादशाह को जाके कह देना कि अभी राजपूतों की तलवार में दम है और उन्होंने खून पीना बंद नहीं कर दिया और तू युद्ध के लिए तैयार हो जा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मुझे मुसलमान करने चला है और वो भी दुनिया का लोग दिखा के कि इतना दे दूंगा ना मेरी मैं आपकी तलवार के सामने झुकूंगा और ना ही आपके लोभ लालच के सामने, और ऐसा पैगाम दे के दूध को वहां से भगा दिया है। देव धक्के दूध को जो ऐसे सुनावे बात था कि ऐसी बात सुनाना तो धक्के देकर यहाँ से निकालो, दलगीर हुआ दिल में मन में बड़ा गुटर हुआ भी दुखी होकर वहां से निकल गया है वो दूध। और क्या हुआ जैसे ही दूध गया वो तो शांति दूध बन के आया था, जब उसकी बात नहीं सुनी तो सब लोगों में खलबल मच गई। किस बात की खलबल मच रही है, सबको पता चल रहा है कि अब क्या होगा निश्चित ही औरंगजेब बादशाह को जैसे ही ये पैगाम पहुंचेगा वो क्या कर देगा युद्ध शुरू कर देगा और औरंगजेब के पास तो कितनी सेना है तो हम उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो अब ये शोर शराबा पूरे उदयपुर में मचने लगा है, ये फैल रही है बात। और क्या हुआ कि तो अब क्या हुआ श्री जी साहब जी कह रहे हैं जैसे श्री जी के कानों में ये बात पहुंची कि औरंगजेब बादशाह आ रहा है तो श्री जी बहुत खुश हो गए
क्यों खुश हो रहे हैं? उनको लगा कि मैं तो इनसे बात करना चाह रहा था प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन मौका नहीं मिला, क्या पता अभी सामने से चल के आ रहा है। तो उनको डर नहीं है, उन्होंने नाना के पास संदेश भिजवाया कि ये जो तुम युद्ध की तैयारी कर रहे हो, इतना डरते हो, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आगे तो उससे मैं खुद से बात करूंगा, धर्म से उसको पहचान करवाऊंगा, और उससे आप बिल्कुल भी बेखौफ होके रहना, उसी भी बात की चिंता मत करो। और क्या कह रहे हैं, एक बात राणे सुनी, हम ऐसी ऐसी नहीं बात कर, राणे के पास जब ये बात सुनी ना, पर कृष्ण जी ऐसे कह रहे हैं राणा को, क्योंकि वो बोल रहे कि जब वो औरंगजेब खुद की इस्लाम का सच्चा राही नहीं बन पाया, तो वो दूसरों को कैसे इस राह पर जबरदस्ती ला सकता है, और वो औरों को नहीं पता है, लेकिन श्री जी को पता है, और वो उसके काजियों को भी पता है, औरंगजेब के दरबारियों को भी, और वो औरंगजेब को भी पता है। चाहे उसने स्वीकार नहीं किया, इमाम मेहदी के आदमी है और यही सच्चे राह को चलाने वाले, वो तो उसको पता है, लेकिन जो खुद ही इस्लाम की राह पर नहीं चल पाया, वो दूसरों को जबरदस्ती इस्लाम की राह पर इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी श्री जी के सामने कैसे चला सकता था। इसलिए श्री जी ने राणा को बोला कि तू चिंता मत कर आने की, लेकिन राणा को पूरी दृष्टि से देखेगा। उसने श्री जी की अगर चर्चा सुनी भी होती, फिर भी उसको पहचान नहीं होती, थोड़ी थोड़ा बहुत ईमान होता, लेकिन उसका वो अंकुर ही नहीं था। तो उसने क्या बोला कि ये बात राणे सुनी, हम इतने नहीं पात्र कि श्री जी उस वैरागी फकीर को कह देना कि हम इतने पात्र नहीं है कि उसके साथ धर्म युद्ध कर सके या धर्म चर्चा कर सके। और दूसरी बात कि हमसे वो जो पादशाह होगा, अगर वो आपसे धर्म चर्चा करेगा तो एक दिन में तो पूरी होगी नहीं, वो आएगा अपनी इतनी बड़ी सेना के साथ यहाँ पे खाना खा पेगा, और अगर आप हमसे धर्म चर्चा करोगे तो मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, इतना कुछ नहीं है कि मैं इतनी बड़ी सेना को पा सकूं, इतनी ही होती है, तो ना मैं उसका पात्र हूँ और ना ही मेरे पास वो ज्ञान है, और हम ये क्या बोलते हैं चांस नहीं ले सकते हैं, हम ये इस तरह का रिस्क नहीं ले सकते। तो अब क्या हुआ, वो कह रहा है कि निकाल छोड़ो इनको, कोई कहे लूट ले तो। जब ये बात चल रही थी ना, इस प्रकार से श्री जी के लिए संदेश लेकर आया आएगी आप राणा के पास कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इस बात की। और राणा ने जब उनको कह दिया कि आप श्री जी को जाकर ऐसा कह दो, तब क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो दरबारी में बैठे थे ना, वो बोलते कि ये ना एक काम करते हैं, इनको ढूंढ लेते हैं। सोचो कि राजपूतों की धरती है, उनको चाहिए था कि हिंदू वैरागियों की रक्षा करें, चाहे पहचान हो या ना हो, साधु तो है, उस दृष्टि से ही कर लेते मर्यादा का पालन। और क्या कह रहे हैं, उनके दरबारी राजा को बता रहे हैं कि क्या करो, इनको लूट लो और लूट के यहाँ से भगा दो। तब क्या हुआ, जब सब ऐसी बात करने लगे कि निकाल छोड़ो इनको, कोई कहे लूट ले हो तो, कोई कहते जबरदस्ती भगा दो, कोई कहते हैं लूट लो, तब क्या हुआ, राणा भीमसेन पास से था, वहां पे एक दूसरा राजा बैठा था जिसका नाम था भीमसेन। उसने जब ये बात सुनी, तो इन और वैरागी लूट लेंगे तो हम हुए बदनाम। उसने कहा कि अगर राजपूत राणा होकर अगर वैरागियों की रक्षा ना कर सके तो कोई बात नहीं, उनको निकलने के लिए यहाँ से बोल रहे फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसको लूट लोगे फिर तो हमारी बदनामी फैल जाएगी कि हम हिंदू फकीरों की ही रक्षा नहीं कर पाते, तो हम कैसे राजपूत कैसे राणा कि हमारे मुल्क में आए हुए हमारे राज्य में आ रहे हिंदू फकीरों को ही हम लूट रहे हैं। तब राणा के समझ में ये बात आती है और उसने उनको लूटने का विचार त्याग दिया और उन सबको फटकार भी दिया। अब श्री जी भी दूसरी ओर विचार कर रहे हैं और श्री जी को पैगाम दे दिया कि उनको कहो कि थोड़े दिन के लिए वो चले जाते हैं। तो श्री जी विचार कर रहे हैं कि हुआ हमको हुआ कि ये जो मुझे बार बार बोल रहे हैं ना राणा की तीन चार दिनों के लिए आप यहाँ से कुछ दिनों के लिए चले जाइए, जब युद्ध की स्थिति समाप्त हो जाएगी तब आप आ जाइएगा, क्योंकि हम आपकी रक्षा करने के लिए समर्थ नहीं है। क्योंकि राणा को ये भी बताया गया था ये मुसलमानों की बात करते ना, इसीलिए औरंगजेब इनका पीछा करते करते आ रहा है, अगर इनको आप भगा दोगे ना यहाँ से तो औरंगजेब उनके पीछे पीछे कहीं और चलेगा, फिर युद्ध नहीं करेंगे। राणा बाद में आ गया। अब क्या हुआ, इस श्री जी साहब विचार कर रहे हैं ये ऐसा कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं कागज कारण बन रहा है कि यहाँ से हम जाए, तो राजी का भी हुक्म है, बाकी हमें कोई यहाँ से भगा नहीं सकता है, तो है ये आज्ञा है राज की, निश्चित ही है राजी की कोई आज्ञा है यहाँ से उठो, तो कि अब हमें यहाँ उदयपुर से निकल जाना चाहिए।
जो संपत्ति जो धन जो कुछ भी है वहीं पे छोड़ के चलते। और धर्म का एक लक्षण भी कहता है कि अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। अपरिग्रह मतलब कि जितनी आवश्यकता हो उतनी ही चीजें रखी जाए, इकट्ठा की जाए, बाकी सारा कुछ इकट्ठा करने से क्या होता है, भोजन बढ़ता है और हमारी आत्मा जागृति में भी वृद्धि होती जाती है। कम पहनो, कम खाओ, कम दिक्कत होगी संभाल लेती है ना। जितना बड़ा घर उतनी ज्यादा साफ सफाई करो, जितने ज्यादा कपड़े उतने ही ज्यादा संभालो, जितनी धन संपत्ति ज्यादा उतनी ही ज्यादा चिंता। गरीबों को कोई चिंता होती है, फुटपाथ के सोए होते हैं, आराम से होते हैं। कौन खुश होता है? जितने जितने पैसे बढ़ते जाते हैं, बड़े बड़े सेठ बनते जाते हैं, उतनी ही उनकी चिंता बढ़ती जाती है। लेकिन फकीर जो पकड़ को और पेड़ों के नीचे बैठा हुआ संत महात्मा होगी, बस लेटा हुआ उस परमात्मा की याद को, ना उसको खाने पीने की चिंता है, ना ही कुछ संभालना है, उसको कोई परवाही नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनरा बे परवाह, चाह को कुछ नहीं चाहिए सोई चैन सा। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही चैन सा है अपने मन का। ये धन संपत्ति से तो कुछ नहीं होता। जिसने उस संतोष का गहना पहन लिया, जिसने अपरिग्रह को जीवन में उतार लिया, वही बात से हमें संतोष से आराम से जी पाए। जो हाय होय करके मेरी मेरी करे तो नहीं जाते बोझ ब्रह्मांड से ले रहे, ना करे भजन दोष दे रहे साई। और जो भजन भी नहीं करते, बार बार ये कहते कि मेरी है मेरी है करके पूरी दुनिया का बोझ उठा के चलते हैं, वो फिर उसी में मरते हैं। तो यहाँ पे श्री जी साहब सुंदर साहब को बोलते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना है, और आप क्या करो कि सारे जो धन संपत्ति है उसको बांट दो सबको। कहाँ बांटेंगे? जब तक ये बोल रहे हैं ना सुंदर साहब श्री जी, तब तक तो दोबारा से वो कोतवाल आ गया कि आप यहाँ से जाइए, राजा ने संदेश भेजा। अब श्री जी क्या सोच रहे हैं? अब इत रहने का धर्म न रह जाएगा। श्री जी सुंदर साहब को बोल रहे कि अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है, अब एक पल के लिए भी यहाँ रुकना ये हमारे धर्म में नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हमारा जो अखत्यार है आठ परवर्तिका, कि हम पर किसका अधिकार है? राज्य पर ही अधिकार है, क्योंकि हम राज्य के चरणों में समर्पित हुए हैं। हम कितने दिन कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ डोरी राज्य के हाथ में। और अगर तो ये बार बार कहलवा रहा है ना, तो ये राजा का अधिकार नहीं है, ये निश्चित ही राज्य का संकेत है कि यहाँ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और हमें शीघ्र अति शीघ्र यहाँ से निकलना चाहिए। और ऐसा सुंदर साहब को बोलकर क्या बोल रहे हैं कि एक ही हमको कार्ड राज्य ही हमें यहाँ से निकलने के लिए कह रहे हैं। छुड़ा रहे हो ये और जल्दी से इस स्थान को छोड़ो, जहाँ खेचे तहाँ जाएंगे। और श्री जी क्या कह रहे हैं कि वो राज्य हमें उनको डोरी पकड़ाई हुई, वो जहाँ खींच के ले जाएंगे हम तो बस उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। और ढूंढो ठोर और अब निश्चित रूप से हमें किसी और जगह पे जाना है, दूसरा स्थान ढूंढना है जहाँ हमारा प्रियतम हमें लेकर चले। और वो चल रहे हैं वहां से। और क्या हुआ, जो भी उनके पास वस्त्र आभूषण था फकीरी वेश धारण किए हुए हैं, तो वहाँ महान सिंह के उनको उन्होंने सिरों का पहनाया। बाकी सब सुंदर साहब को उदयपुर में रह रहे थे उनको भी बोला कि आप भी हमारे संग चलो, नहीं तो बहुत कष्ट आने वाले हैं। लेकिन सुंदर साहब ने उनकी बात सुनी, कुछ कुछ सुंदर साहब ने सुनी, कुछ कुछ ने नहीं सुनी। तुम बैठ कर सकोगे? क्या कर रहे हैं श्री जी सुंदर साहब को? हम तो बिना होते हम तो उदयपुर से चल रहे हैं, अब तुम्हारे मुल्क से आपके मुल्क से चल गए हैं, तुम बैठ न सकोगे? आप लोग यहाँ आराम से बैठ नहीं पाओगे, अभी वीरान हो इनमें बहुत, ये जमीन अब वीरान हो जाएगी, वीरान होने वाली है, बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है। श्री जी राज जी की प्रेरणा से सब सुंदर साहब को संबोधित करके कह रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ सुंदर साहब तो थे जो संग चल रहे हैं, और कुछ सुंदर साहब ने श्री जी की बात की, अवहेलना की, और हमारे जैसे बस कानों से ही सुनते रहे, माया को पीठ नहीं दी सुंदर साहब जी। तो हम कल के प्रसंग में देखेंगे कि जो माया को पीठ नहीं दी सुंदर साहब ने श्री जी के कहने पर, उनकी क्या स्थिति होती है। अब क्या हुआ, इस श्री जी वहां से इतना उपदेश लेकर जो कुछ भी धन संपत्ति आती है वो वहां पर छोड़कर निर्गुण वेश पहनकर भूमि दिया बता सब सुंदर साथ निर्गुण वेश धारण करके वहां से चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। पवन ने चिरक वस्त्र क्या किया,
विरक्त के वस्त्र धारण किए हुए, फकीरी का वेश धारण किया है, सब सर्वोत दिया दान, बाकी जो कुछ भी कलरफुल वस्त्र के रंगीन या जो कुछ भी आभूषण वगैरह के कीमती कीमती वस्त्र आभूषण सारा कुछ वहाँ का वहाँ छोड़ दिया, हुए चलने को तैयार, और अब श्री जी की फौज तैयार है आगे कुछ करने के लिए, छोड़ा कार व्यवस्था कुछ वहाँ छोड़ दिया, कुछ भी साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं श्री जी। पर यहाँ पे सुंदर साक्षी जो बोला है ना कि सर्वगुण निर्गुण छोड़ दिया सारा, और सर्वगुण सारा छोड़ दिया और निर्गुण बेच देकर चले, तो यहाँ हमें भी शिक्षा मिलती है कि अगर चांदनी के कार्य में हमें आगे बढ़ना होगा तो क्या करना पड़ेगा। वाणी में एक चौपाई आती है, ग्रह में निर्गुण बोए के और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कब होना दुखावे के। अगर हम अपने आप को स्वयं को सुहागिन कहला रहे हैं, उस प्रियतम की अन्ना आत्मा कहला रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, निर्गुण होकर रहना, मतलब हमारा जो आहार है जैसे स्वामी जी कहते आए हैं और हम मन सुना करते आए हैं सुंदर साक्षी अब तक, लेकिन दादाजी की मेहर से आज हम संकल्प करें कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए, निर्गुण सात्विक आहार होना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा ना हो, जैसे चाय कॉफी हम पीते हैं, खटाई खाते हैं, तीखा खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं या अचार खाते हैं, जो भी जीवा को अच्छा लगता है वो सारा क्या होता है, तामसी भोजन होता है जो मन को मलिन करने वाला है, और उससे क्या होता है मन को मलिन करता है, बुद्धि हमारी मलिन होती है, जब बुद्धि हमारी तामसी हो जाएगी तो जैसा अन्न वैसा मन, मन हम बोलते तो हैं जैसा अनाज खाते हैं हम ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा मन होता है, और सिर्फ अनाज नहीं, हम जिस भाव से भोजन पकाते हैं वो वाइब्रेशंस भी उसके अंदर जाते हैं और वो भी हमें असर करते हैं, वो भी हमारे मन को प्रभावित करते हैं, हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर सच में हमें उस प्रियतम को पाना है, मन को निर्मल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, निर्गुण आहार लेना पड़ेगा, सात्विक आहार। और निर्गुण वेश किसे कहते हैं सुंदर साक्षी, कि वैसे तो सन्यासी वेश मतलब भव्य वस्त्र धारण करना कहते हैं ना, भव्य वेश भगवा वस्त्र क्यों धारण करते हैं सन्यासी, क्योंकि भगवान जो रंग है वैसा ही रंग जब सूर्यास्त होता है उससे पहले लालिमा बिखरती है, जब सूर्योदय होता है उससे पहले भी लालिमा जो बिखरती है वैसा ही रंग होता है अग्नि का रंग, और उसी प्रकार का रंग जो है वो कहा गया है कि आदित्य वर्ण तमस्व परस्ता, वो परमात्मा जो अंधकार से परे है वो कैसा है, ऐसे स्वर्णमय कंचन रंग की आभा वाला कांति वाला। तो इसीलिए जब कोई सन्यासी बनते हैं तो भव्य वस्त्र इसीलिए धारण करते हैं ताकि पता चले सबको कि अब जो माया का रंग था वो उतर गया है और अब वो क्या कर रहे हैं, उस परमात्मा के रंग में रंग के उसी की राह पर चलेंगे, इसी का प्रतीक मानकर भव्य वस्त्र धारण किए जाते हैं कि अब हम उस परमात्मा के रंग में रंग चुके हैं और उसी की राह पर आगे बढ़ेंगे। अगर हम सोचे कि जब परमात्मा का द्योतक है भगवा वस्त्र तो हम क्यों सब सफेद वस्त्र धारण करते हैं, या हमारे अंदर नहीं भी सफेद वस्त्र धारण करते, हमारे संप्रदाय में जो जन्म की राह पर चलने वाले जो है ब्रह्म मुनि परमहंस वो सब क्यों सफेद वस्त्र धारण करते हैं, तो उसका उसके पीछे कारण यह है सुंदर साक्षी कि सफेद रंग जो होता है उसमें सारे रंग समाहित हो जाते हैं, सारे रंग जिसमें समाहित हो जाते हैं तब सफेद रंग बनता है। तो उसी प्रकार से जब हमारे सारे माया के रंग जो है जिसके सामने लय हो जाते हैं, जिसमें समाहित हो जाते हैं, जिस प्रियतम में हमारे सारे विकार जिस प्रियतम के चरणों में जाकर नष्ट हो जाते हैं, उस सागर में समाहित हो जाते हैं और सागर ही बन जाते हैं, उस ऐश्वर्य के रंग में, उस प्रेम शांति और आनंद के रंग में हम बन जाते हैं, उसके चरणों में जाकर नया ही रंग धारण करते हैं। तो इसीलिए जब हम सफेद वस्त्र धारण करते हैं तो हमें काफी वो इसी बात का प्रतीक है कि हमने उस अनंत परब्रह्म की जो शक्ति है उसके ज्ञान को, प्रेम को, सौंदर्य को, उसके सारे गुणों को आत्मसात कर लिया है और अब हम उसके साथ एक रस हो।
तो वो पूर्ण ब्रह्म के साथ, वो पूर्ण परमात्मा के साथ एक रास्ता दर्शाने के लिए हम उस पूर्ण श्वेत रंग के वस्त्र को धारण करते हैं जिसमें सारे रंग समाहित हो जाते हैं। इसी प्रकार से अब क्या हुआ, श्री जी ने भी श्वेत वस्त्र धारण कर रखे हैं, बासन वस्त्र जो कुछ भी था वहाँ बांट दिया और उनकी आज्ञा को सिर उधारे करके सारे सुंदरता ने भी वो बांट दिया है। और अब श्री जी वहाँ से कहाँ चले हैं, दादू मसानी और सारे, तो बहुत सारे सुंदर साथ है जो श्री जी के साथ में सब कुछ छोड़ के चल दिए हैं। और जो सुंदर साथ उनके साथ में चले ना, वो सब भी श्री जी उदयपुर में जिनकी आत्माएं जागृत हुई थी और श्री जी का पैगाम समझ कर कई सुंदर साथ उनके साथ में चल दिए, उसके नाम इस प्रकरण में दिए गए हैं। समय मर्यादा के अभाव में हम सारे नाम को नहीं बता सकते हैं सुंदर साथ जी, लेकिन श्री जी ने ये सारे नाम लिखे हुए हैं क्योंकि उनके दिल में तो ये सारे नाम अखंड हो गए हैं। एक एक ब्रह्मियों के नाम है तो इस शरीर के, लेकिन क्योंकि उन्होंने अखंड का संबंध निभाया है तो वो सारे नाम उनके दिल पे लिख दिए गए हैं। और इसलिए उन्होंने जहाँ जहाँ सुंदर साथ उनके साथ में चलेंगे, जहाँ जहाँ संभव होगा उतने उतने नाम श्री जी बताते जाते हैं। तो उन सब सुंदर साथ के चरणों में हमारा कूटान कूट प्रणाम है। और अब क्या हो रहा है, या में कोई आगे कोई पीछे, आए बीच विश्राम, कोई तो समझन के पक, कोई दीदार के विश्राम। आगे पीछे जो भी सुंदर साथ है सारे उनके साथ में चल दिए हैं। और किसी ने, किसी किसी सुंदर साथ ने तो माया में भी विश्राम किया और वहीं पे श्री जी का साथ छोड़ दिया। और क्या हो रहा है सुंदर साथ जी, कि अब श्री जी उदयपुर से आगे कैसे जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, मंदसौर में क्या होता है, या कैसे कैसे सुंदर साहब को अभी आगे भी कसौटी से गुजरना पड़ता है और कैसे हमें हमारे लिए प्रेरणादायक प्रसंग आते जाएंगे वो हम कल की चर्चा में सुनेंगे। और कैसा फकीरी वेश श्री जी ने धारण किया हुआ है उदयपुर से चलते समय, जो सुंदर साहब श्री जी के साथ चल रही है उनको कैसी मस्ती आ रही है उस फकीरी वेश में, कैसा उनका मन उस रंग में रंग रहा है, और आगे जाके मंदसौर में कैसे कैसे उनको भीख के टुकड़े भी मांगने पड़ रहे हैं फिर भी वो खुश है। और जो सुंदर साथ श्री जी की बात को मानते हुए सुनते हुए भी उनके साथ ना चल के अपने घर बार ना छोड़ पाए और उदयपुर में रह गए हैं, उनकी क्या स्थिति होती है और इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए, वो सारा प्रसंग हम कल देखेंगे। अभी के लिए हम ये चौपाई दोहराते हैं सुंदर साथ जी, या में कोई आगे कोई पीछे, आए बिचर सलाम, कोई को समझन के पकड़, कोई दीदार के विश्राम, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सुंदर साहब।